एवरीबडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। क्लास 9 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, चैप्टर है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन क्लास 9 हिस्ट्री, व्हाट आई पर्सनली फेल्ट। अब बोलोगे सर हर चैप्टर में आपको ऐसा लगता है, लेकिन जी हाँ, हर चैप्टर में बात भी यही है। जिस तरह से आपने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जर्मनी की पूरी कहानी जो आपने देखी नाज़ीज़्म वाली, फॉरेस्ट सोसाइटी वाला एक जो चैप्टर पढ़ा, तो वहां पे आप लोगों की लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और उन्हीं लाइवलीहुड्स से जुड़ा हुआ एक जो चैप्टर है वो है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर में आपको इंडिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है, तो अभी एकदम स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं बता दूंगा। टॉपिक बाय टॉपिक एक एक टॉपिक को खोलते चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आई नो दिस, यू पीपल वर वेटिंग फॉर दिस चैप्टर, एंड हियर इट इज, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, देखो टाइटल देखो क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारे बच्चे जो बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस चीज की अहमियत को समझते हैं कि आधा काम हमारा वहां खत्म हो जाता है जब हम हेडिंग को, चैप्टर के टाइटल को, किसी टॉपिक के टाइटल को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां क्या टाइटल कह रहा है, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज का जो समय देख रहे हैं ना, मॉडर्न वर्ल्ड, तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में पैस्टोरलिस्ट जो लोग हैं उनका जीवन क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। कुल मिला के अगर सार की बात की जाए, चैप्टर का रस जो है वो ये है, पैस्टोरलिस्ट की क्या स्थिति है, ठीक है, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब पॉइंट यहां पे आता है कि सर पैस्टोरलिस्ट क्या होता है, हमें तो ये नहीं पता। तो पैस्टोरल, देखो पैस्टोरलिस्ट या फिर पैस्टोरलिज्म जो है, दिस इज मेड अप ऑफ द वर्ड पैस्टोरल। पैस्टोरल मतलब क्या होता है, पैस्टोरल मतलब जो चरवाहे वगैरह रहते हैं ना, उनकी बात की जा रही है। चरवाहे कौन होते हैं, तो जिनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं और उन जानवरों को जो क्या करते हैं, ग्रेज करवाते हैं, बोलते हैं ना जानवर को चराने के लिए ले जाते हैं, चरवाहे जानवरों को ग्रेजिंग करवाते हैं, चराते हैं, तो वो पैस्टोरल वर्ड वहां से निकल के आता है। फाइन, तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, एक और भारी शब्द आ गया कि नोमैडिक का मतलब क्या होता है। तो नोमैडिक का मतलब क्या होता है, नोमैड्स आर पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। नोमैड्स का मतलब समझो, ठीक है, शब्द लिखा है नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, ठीक है। तो ये नोमैड, पैस्टोरल, ये सारे शब्द अच्छे से समझ लोगे तो सारा काम हो जाएगा। तो नोमैडिक का मतलब ये होता है कि जो एक जगह सेटल्ड नहीं है जो लोग, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स होते हैं तो उनके शब्द नाम चैनल में क्या रहता है, नोमैडिक, ठीक है। तो वो नोमैडिक वर्ड का मतलब क्या है कि नोमैड, नोमैडिज्म एक तरह का वे ऑफ लाइफ है। नोमैड मतलब क्या होता है, जो घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, फाइन, तो वो नोमैड कहलाता है। तो नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं टू अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन यापन ऐसे करते हैं वो। तो वो शब्द नोमैड्स वो शब्द होता है, और जो ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जो घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन यापन के लिए, वो नोमैडिज्म कहलाएगा, ठीक है, नोमैडिज्म। अब नोमैड पैस्टोरलिस्ट, ठीक है, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मतलब क्या है कि पैस्टोरल मतलब तो वही बता दिया कि पैस्टोरलिज्म मतलब क्या है, पैस्टोरलिस्ट मतलब क्या है, वो इंसान, वो किसान जो क्या कर रहा है, जानवरों को पाल रहा है। तो अब यहां पे क्या है, दो शब्द मिल गए, कैसे, नोमैड और पैस्टोरलिस्ट। तो नोमैडिक पैस्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक किसान या फिर एक व्यक्ति जानवरों को पाल रहा है तो पैस्टोरलिज्म को तो परफॉर्म कर ही रहा है, बट ही इज कंटिन्यूसली ऑन अ मूव, ही इज नॉट सेटलिंग एट वन प्लेस, ठीक है, जब एक जगह पे वो सेटल नहीं हो रहा है, एक प्लेस पे वो सेटल नहीं हो रहा है, तो नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, ऐसा निकल के आया नोमैडिक पैस्टोरलिज्म शब्द, समझ में आया ना। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कौन है, क्या है, कहानी क्लियर। तो जिसको ये टॉपिक समझ में आ गया कि हाँ नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, उसको चैप्टर में बहुत आसानी रहेगी। और यही हमारे चैप्टर की पूरी थीम है, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, जहां पे हम यही देखने वाले हैं कि किस किस तरह से लोग जो हैं वो एक जगह पे सेटल ना होते हुए कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं अपने जानवरों के साथ। तो इंडिया में, अफ्रीका में कौन कौन मतलब नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे हैं, उनका जीवन कैसा रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड में आज उनकी क्या स्थिति है, क्या इतिहास क्या रहा है उनका, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगी। तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ऑन द मूव विथ देयर हर्ड्स ऑफ गोट्स, शिप, कैमल्स एंड कैटल, ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी नोस्टैल्जिक। जब हम बच्चे थे तब क्या होता था, जब जैसे शहर के बाहर से या फिर गांव के खेतों में से इस तरह से आपको देखने को मिलता कि गार्डर वाले आए, बोलते थे गार्डर, यानी क्या होता है, शिप जो होती है, ठीक है, तो गार्डर वाले आए, या फिर उनके पास बहुत सारी बकरियां रहती थी, ऊंट वाले आए, ऊंट वाले आए, तब इतना सोचा नहीं था कि चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। ऊंट वाले आए तो मतलब क्या है कि कम्युनिटी ऑफ पीपल, ठीक है, दे आर ऑन अ मूव,
with their cattles, with the herd of their cattles. तो उनके पास भेड़ बकरियां, ठीक है, भैंस बैल, इस तरह से कहते हैं जानवर रहते हैं, उन जानवरों के साथ लोग घूमते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कहलाएंगे। इस तरह के लोग जो है नोमैडिक पैस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो ये थीम है ये चैप्टर में, मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर हमारा घूमेगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे यहाँ पे कि सर ये लोग घूम क्यों रहे हैं, ठीक है, इनके पैर में बाहुरी लगी है क्या, मतलब कि घूमते रहो, ठीक है, इनका घर भी होगा ना, कोई घर है कि नहीं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल में आते हैं कि आखिरकार ये जो नोमैड्स हैं, आखिरकार ये जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स हैं, ये क्यों घूम रहे हैं, एक जगह पे सेटल क्यों नहीं हो जाते, ठीक है, टेंट लगा लगा के घूमते रहते हैं। अगर अच्छा ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर घूमते रहेंगे, कहीं से तो ओरिजिनेट हुए होंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं ना मन में, तो उन बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब भी हैं अपने पास, उस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। थीम चैप्टर की यही है कि जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, तो व्हाट इज देयर रोल इन दी मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में कोई इनका रोल है, पहले के समय में कोई रोल था क्या? फाइन, तो वही पैस्टोरलिज्म के इर्द गिर्द चैप्टर घूमने वाला है हमारा। पैस्टोरलिज्म हैज बीन इंपॉर्टेंट इन सोसाइटीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। तो हम दो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इंडियन सोसाइटी में जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे वो, अफ्रीकन सोसाइटी में जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे वो, तो इन दोनों ही एक कॉन्टिनेंट एक कंट्री है, दोनों ही के रेफरेंस में हम पूरा का पूरा नोमैडिक पैस्टोरलिज्म को समझेंगे। द वे कॉलोनिज्म इंपैक्टेड देयर लाइव्स एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। कॉलोनिज्म ने इनके जीवन को कैसे इंपैक्ट किया है, ठीक है, कॉलोनिज्म ने इनके जीवन को कैसे इंपैक्ट किया है, और किस तरह से कॉलोनिज्म, मतलब क्या है कि देखो अब इंडिया में भी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे, अब जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, तो एक रेफरेंस के लिए पॉइंट कनेक्ट करवा रहा हूं मैं आपको। फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चैप्टर पढ़ा है हमने, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे उनका जीवन ब्रिटिशर्स के आने के पहले कैसा था, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया, चाहे वो इंडिया की बात कर लो, चाहे वो जो डच थे कहां पे, इंडोनेशिया में, जावा में, वहां की बात कर लो। दोनों ही केस में हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म में, ठीक है, मतलब जब यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया, यानी कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट क्या पड़ा था फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ पे। तो सिमिलरली हम यहां भी देखेंगे कि पेस्टोरल नोमैड्स जो हैं, ठीक है, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म को जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं अफ्रीका के और इंडिया के, तो अफ्रीका में भी आप देखोगे तो यूरोपियंस ने कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश किया था, इंडिया में एस्टैब्लिश किया था, तो दोनों ही जगह, ठीक है, कॉलोनिज्म ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया वो चीज। और ये जो मैंने आपको तीन पॉइंट यहां बताया, अगर आपने ध्यान से समझे, तो यही पूरे चैप्टर का ब्रॉड आइडिया है। ये तीन टॉपिक, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, तो ये पूरा इंडिया का पढ़ेंगे हम, कॉलोनिज्म एंड कॉलोनियल रूल एंड दी पेस्टोरल लाइफ, तो ब्रिटिशर्स के आ जाने से क्या इंपैक्ट पड़ा उनके लाइफ पे, और सिमिलरली विल बी लुकिंग इनटू द एस्पेक्ट ऑफ अफ्रीका आल्सो, तो पेस्टोरलिज्म को अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ये पूरी कहानी रहने वाली है, ये पूरी थीम रहने वाली है। समझ में आ गया, ये पूरी थीम रहने वाली है। आगे करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, नारियल फोड़ते हैं, श्री गणेश करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो क्या है, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन्स। अब इंडिया जो है ना, तो आपने चैप्टर टू ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने क्या देखा है कि इंडिया इज ब्लेस्ड विथ वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स। हमारे यहाँ क्या देखते हो आप, हमारे यहाँ पहाड़ भी है, हमारे यहाँ देखते हो प्लेटू भी है, हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, हमारे यहाँ प्लेन एरिया भी है। तो कितनी भिन्नता है ना अपने, मतलब कितनी डायवर्सिटी है, हद से ज्यादा डायवर्सिटी है हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल फीचर में। तो वैसे ही अगर आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं, तो वो भी एक तरह की नहीं है, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। हमारे यहाँ इंडिया में जो पैस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करने वाले अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो कैसे दो कैटेगरी में, एक तो हम पढ़ेंगे कि नोमैडिक पैस्टोरलिज्म इन माउंटेन्स, और दूसरा पढ़ेंगे नोमैडिक पैस्टोरलिज्म इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब प्लेन प्लेटू ये वाला रीजन जो है। तो यहाँ पे फाइन, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फोकस कर रहे हैं नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, ठीक है, इन दी माउंटेन्स। तो जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, मतलब इसको आगे पीछे कैसे भी यूज कर लेना, तो जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, जो अपने कैटल्स के साथ हु आर कंटिन्यूसली ऑन मूव, जो एक जगह सेटल नहीं हो रहे, तो उनका मूवमेंट माउंटेन्स में किस तरह से होता है, पहाड़ों में कैसे रहते हैं वो, तो पहाड़ों में कैसे रहते हैं, हेडिंग समझ में आए ना, तो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन दी माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में रहने वाले जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, उनका जीवन कैसा है। आगे चैप्टर में और पढ़ेंगे कि जो प्लेन एरिया पर रहते हैं, प्लेटू रीजन में रहते हैं, डेजर्ट रीजन में रहते हैं, उनका मूवमेंट कैसा है। लेकिन पहले पहाड़ों की बात करते हैं, तो कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती है पहाड़ों पे। तो पहली कम्युनिटी आ रही गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ है, ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ जो है, तो वहां के पहाड़ी क्षेत्र पे एक पेस्टोरल नोमैड्स की कम्युनिटी रहती है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें जाना जाता है गुज्जर बकरवाल्स के नाम से। ठीक है, गुज्जर बकरवाल्स कौन है,
तो गुज्जर बकरवास आर दी हर्डर्स ऑफ गोट एंड शिप, तो क्या करते हैं बड़ी बड़ी बकरियां जो होती है, जैसे नाम में लिखा है गुज्जर बकरवाल्स, ठीक है, तो ये बकरवाल्स जो है, तो जैसे अगर आप क्या देखोगे तो बकरवाल्स एक तरह से ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिनके पास बड़े बड़े बकरे होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, तो जैसे गोट्स है, ठीक है, गोट्स मेजोरिटी में आपको देखने को मिल रही, तो ये गोट्स देखने को मिल रही है। अब इतनी सारी गोट्स क्यों पाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये गोट्स उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब इतनी सारी गोट है तो उन्हें खिलाने के लिए उनके पास में इतना सारा स्टॉक नहीं रहता है, तो वो तो घूमते रहते हैं और खिलाते रहते हैं, इस कारण से वो क्या है, नोमैड है, ठीक है, इस कारण से वो नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं, पेस्टोरल इसलिए क्योंकि इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं उनके पास, समझ में आया। तो गुज्जर बकरवास कहां के हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या कि व्हाट आर द डिफरेंट पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज इन द माउंटेन्स, तो आप पहला लिखेंगे गुज्जर बकरवास, दे आर द हर्डर्स ऑफ गोट एंड शिप, सही बात है, मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पैश्योर फॉर देयर एनिमल्स। पैश्योर मतलब क्या होता है कि घास जो रहती ना, पैश्योर पे ग्रेस करेंगे जानवर, तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है तो जम्मू एंड कश्मीर में 19th सेंचुरी के आसपास माइग्रेट होके वहीं सेटल हो गए गुज्जर बकरवाल्स, ठीक है। दे मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अब क्या होता है, इनका एनुअल मूवमेंट चलता रहता है कि साल में से एक चक्कर लगाते हैं, समर से लगा के विंटर, फिर विंटर से समर, समर से विंटर, इस तरह से गोल गोल घूमते रहते हैं। वो कहां घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, सवाल आया मन में, समझो, तो मैं आपको उनका मूवमेंट समझाता हूं कि why they are continuously on a move, why they are continuously on a move। तो देखो दो टाइम पीरियड में उनका साइक्लिक मूवमेंट बताया गया, एक विंटर्स और दूसरा समर। अब क्या हो रहा है ना, पहाड़ पर रह रहे हैं, देखो मैंने इसलिए बताया था कि पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन्स। तो पहाड़ की बात करें अगर, तो पहाड़ में क्या होगा, विंटर्स में ये एरिया तो पूरा क्या हो जाएगा, स्नो कैप्ड होगा, बर्फ जम जाएगी, तो उनकी गोट जो है तो वहां पे फ्रोजन गोट बन जाएगी। तो इसके लिए क्या होना करता, क्या करना पड़ता है कि जब विंटर्स आते तो उन्हें नीचे उतर के आना पड़ता है, ठीक है। तो व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो दे लिव्ड विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे अगर आप देखेंगे कि विंटर्स के टाइम पीरियड में जब ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमने लगती है, तो ये गुज्जर बकरवाल्स क्या करते हैं, पहाड़ से नीचे उतर के आ जाते हैं, लो हिल्स ऑफ शिवालिक माउंटेन रेंज जो है वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंड है, पता है मेरे, फाइन। फिर क्या होता है, ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हियर प्रोवाइडेड पैश्योर फॉर देयर हर्ड्स। अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या, कि उनकी ग्रेजिंग, मतलब जो उनकी कैटल्स है, उन कैटल्स को ग्रेस करने के लिए घास फूस मिल जाए, अपना खाना तो वो साथ लेके चलेंगे, लेकिन इतने सारी भेड़ बकरियों को कहां खाना खिलाएंगे, तो पहाड़ों से नीचे उतर के शिवालिक माउंटेन्स की जो लो हिल्स होती है वहां पे उन्हें क्या मिल जाता है, वहां पे उनको बहुत आसानी से पैश्योर मिल जाता है अपने हर्ड्स के लिए। तो विंटर में ये मूवमेंट है। अब क्या होगा, विंटर के बाद आएगा जैसे समर। अब समर में क्या होने लगा कि जो बर्फ जमी थी बर्फ पिघलने लगेगी, ठीक है, पहाड़ी पिघल गया हमारा, तो क्या होगी, बर्फ पिघलने लगेगी, ऊपर के जो पासेस हैं वो खुल जाएंगे, ऊपर मतलब सिचुएशन फेवरेबल होगी, फाइन, ऊपर सिचुएशन फेवरेबल होगी। तो ऊपर क्या होता है कि चार पांच महीने जैसे ढका रहा है पूरा पार्ट बर्फ में, तो वहां पे क्या हो रहा, नई घास जो है वो इमर्ज होगी, है ना। तो क्या होता है, दे क्रॉस द पीर पंजाल पासेस एंड एंटर्ड द वैली ऑफ कश्मीर, समर्स की बात बता रहा हूं, विथ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड वर लश ग्रीन, दिस प्रोवाइडेड फोरेज फॉर द एनिमल्स। फोरेज मतलब अगेन क्या है, फोरेज का मतलब अगेन आपका घास फूस जो खाने की चीज रह गई जानवरों की, ठीक है, तो मत खाने लग जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब जैसे समर में उनकी मूवमेंट देखे, तो विंटर्स के बाद में वो ऊपर चलना चालू करते हैं, दे क्रॉस द पीर पंजाल रेंज, जैसे अगर आप देखोगे तो शिवालिक रेंज के यहाँ पे आ गए थे। अब क्या होता है, विथ दी ऑनसेट ऑफ समर्स, समर्स आते आते क्या होता है, जैसे मार्च तक वो फिर वापस ऊपर चलना चालू कर देंगे, कश्मीर वैली वगैरह में घुसना चालू कर देंगे पीर पंजाल क्रॉस करके। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि समर्स के बाद में विंटर्स, वो तो सीजन है, रिदमिक साइकिल चलता रहेगा, तो सॉरी समर्स के बाद में मॉनसून, तो मॉनसून में तो और बारिश वारिश हो जाएगी, तो इन पहाड़ों पे क्या होता है कि और ग्रास वगैरह आ जाती है, तो बढ़िया पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है उनको खाने पीने की, समझ में आया, उनको बढ़िया पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है खाने पीने की। तो इस तरह से उनका मूवमेंट होता है, इस तरह से उनका मूवमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, फाइन। विद द ऑनसेट ऑफ समर्स द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड वर लश ग्रीन, ठीक है, दिस प्रोवाइडेड द फोरेज फॉर देयर एनिमल्स। अब क्या हो रहा है, बाय द एंड ऑफ सितंबर द बकरवाल्स वर ऑन द मूव अगेन। अब ऊपर ऊपर चढ़ते गए, अब सितंबर में वापस ठंड आना चालू हो जाएगी, तो फिर वापस आप नीचे उतरेंगे वो, फाइन। तो दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी बैक टू देयर विंटर बेस, तो विंटर बेस वही लो हिल्स ऑफ शिवालिक, वापस वहां, मतलब ये ऊपर नीचे करेंगे, एंड दिस विल बी गाइडेड बाय द सीजंस, समर और विंटर के हिसाब से, क्लियर हो गया। व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो द हर्ड्स वर ग्रेज्ड इन द लो हिल्स, तो जब हाई माउंटेन्स पूरे बर्फ में ढके रहते, तो फिर लो हिल्स में जो ग्रास वगैरह रहती है उसमें गुजारा बसेरा कर लेते हैं, फाइन। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि दे आर दी पेस्टोरल ग्रुप्स, क्या नाम था, गुज्जर बकरवाल्स।
जो कि क्या कर रहे हैं, दोज हु आर परफॉर्मिंग द नोमैडिक एक्टिविटी, दे आर नॉट सेटलिंग एट अ वन प्लेस, दे आर कंटिन्यूअसली ऑन अ मूव। समझ में आ गया? तो ये गुजर बकरवाल हो गए। सिमिलरली जैसे अगर आप देखें तो दूसरी जो कम्युनिटी है, माउंटेन्स की पढ़ रहे हैं, अगर दूसरी कम्युनिटी जो इस तरह की क्या कर सकते हैं, नोमैडिक पेस्टुरलिज्म को परफॉर्म कर रही है, वो है गद्दीस। ठीक है, गद्दी, गद्दी ट्राइब में भी कह सकते हो, गद्दी ट्राइब या फिर गद्दी पेस्टोरल नोमैड्स, गद्दी नोमैड्स जो हैं, तो दे आर द शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप थोड़ा सा नीचे सटक के आ जाओ, किधर, जैसे आपका कश्मीर में आपने देख लिया कि कश्मीर में गुज्जर बकरवाल हैं। अब नीचे आएंगे आप तो क्या हो जाएगा, नीचे जैसे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश में आपको कौन मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे गद्दीस। ठीक है, तो गद्दी, गद्दी नोमैड्स जो है ये हिमाचल प्रदेश के नोमैड्स हैं। फाइन, तो दे आर दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हैड सिमिलर साइक्लिक मूवमेंट। सिमिलर साइक्लिक मूवमेंट मतलब क्या है कि माउंटेन में तो चाहे जम्मू कश्मीर के माउंटेन हो चाहे हिमाचल प्रदेश के, कहानी तो वही रहेगी कि हर जगह क्या होगा, विंटर्स में तो बर्फ जमी जाएंगी, तो इनका भी वैसा ही साइक्लिक मूवमेंट है, बस अब जगह वगैरह बदल जाएगी ना थोड़ी सी। तो दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, ग्रेजिंग देयर फॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, तो वही लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज जो है, तो वहां पे क्या होता है विंटर्स में, विंटर बेस उनका लो हिल्स पे हो जाता है, ज्यादा ऊंचे पे क्या है बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। ठीक है, बाय अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड समर इन लाहौल एंड स्पीति। तो अप्रैल आते आते क्या है कि वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, जैसे ऊपर की तरफ ये लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में क्या करते हैं, अपने अप्रैल वाला टाइम पीरियड बिताते हैं। ठीक है, नीचे से आ रहे हैं ऊपर की तरफ, लाहौल स्पीति में अपना क्या करेंगे, टाइम बिताएंगे हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद में और ऊपर चले जाएंगे। तो अब क्या होता है, जब ये आए हैं तो उन्होंने बोला कि अब अपने गांव वगैरह लाहौल स्पीति में उनकी जमीन वगैरह रहती है, तो व्हेन द स्नो मेल्टेड एंड द हाई पासेस वर क्लियर, मेनी ऑफ देम मूव टू द हायर माउंटेन्स एंड मिडोस। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाएगी तो और ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर अच्छी ग्रेजिंग मतलब ग्रेस करवाने के लिए अच्छी क्वालिटी का पैश्योर मिलता चले जाएगा उन्हें। ठीक है, बाय सेप्टेम्बर दे बिगेन देयर रिटर्न मूवमेंट। ठीक है, अब सेप्टेम्बर तक ऊपर पहुंच गए, अब क्या होगा, सितंबर के बाद धीरे से ठंड आने लगेगी, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मूविंग डाउन। ठीक है, लाहौल स्पीति से ऊपर गए थे और अब वापस आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑन द वे दे स्टॉप वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति, रिपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स। तो क्या हो रहा है, कहानी समझना अच्छे से, कि गद्दीज जो थे, तो जैसे ये माउंटेन्स है मान लो, ठीक है ये माउंटेन्स है, तो ये विंटर्स में, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, विंटर्स में आप देख रहे हैं कि शिवालिक, फाइन, तो शिवालिक के लो माउंटेन्स पे वो थे विंटर में, क्लियर हुआ, समर्स आते आते ऊपर जाने लगे, तो लाहौल स्पीति जो है, ठीक है, लाहौल स्पीति के विलेजेस में उन्होंने क्या कर दिए, यहाँ पे क्रॉप्स सो कर दिए, क्रॉप्स सो कर दिए और ऊपर और चले गए। अब जब सितंबर आया तो रिटर्न करके वापस आ रहे हैं, अब रिटर्न करके वापस जब आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो क्रॉप्स, समर क्रॉप्स जो सो करके ऊपर गए थे ना, तो उनको हार्वेस्ट कर लेंगे, बोलेंगे चलो फसल तो काट लो, पक गई अपन 2 महीने में घूम के आ जाते हैं, तो ये फसलें काट के, फसल काट के विंटर्स की क्रॉप सो करके नई फसल फिर लगा के और नीचे उतर आएंगे। ठीक है, और नीचे उतर आए, नई फसल लगा के और नीचे उतर आए, विंटर यहां बिताया पूरा उन्होंने, अब वापस जब लौट के आएंगे तो ये फसल काट के फिर अगली फसल बो देंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक सीजनल मूवमेंट चलता रहता है उनका, डिपेंडिंग ऑन दी सीजंस, डिपेंडिंग ऑन दी सीजन, एक साइक्लिक मूवमेंट जो उनका चलता रहता है। तो बाय सेप्टेंबर दे बिगेन देयर रिटर्न मूवमेंट, सेप्टेंबर में नीचे आ रहे हैं, तो ऑन दी वे दे स्टॉप वंस अगेन इन दी विलेजेस ऑफ लाहौल स्पीति, रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट, मतलब वो जो पकी हुई समर हार्वेस्ट उसको काट पीट लेते हैं और विंटर क्रॉप को ग्रो कर देते हैं। ठीक है, देन दे डिसेंड विद देयर फोक टू देयर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स ऑन द शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शिप टू समर मिडोज। मिडोज मतलब क्या होता है, मिडोज यानी कि जो ग्रेजिंग एरिया रहता है ना माउंटेन्स में, मिडो यानी कि क्या, जहां पे छोटी छोटी घास हो जो जानवर खा सके, तो वो मिडोज कहलाते हैं। समझ में आया, मिडोज वो कहलाते हैं, क्लियर है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ गद्दी ट्राइब्स या फिर गद्दी नोमैड्स कह लो आप। समझ में आया, तो गद्दी नोमैड्स इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज इन माउंटेन्स, गुज्जर बकरवाल्स, गद्दीस, और है अभी खत्म नहीं हुए, अगले क्या है, जैसे आप देखोगे तो गद्दी शिपिंग शेयर्ड। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने जानवर वानवर पाल क्यों रहे, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं, देखो हर आदमी क्या कर रहा है, अपना जीवन यापन तो करेगा नहीं, ह्यूमैनिटी तो है नो डाउट, इतने सारे जानवरों को अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, जानवर है तो बोला चलाओ कटिंग बनवा दे तुम्हारी, तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में वो जितनी भी उनके पास भेड़ बकरी रहते हैं सबकी क्या कर दी जाती, कटिंग बना दी जाती है, पूरा ऊन इकट्ठा किया जाता, और उसी से आप क्या देखोगे तो अलग अलग पश्मीना शॉल हो गई आपकी, ठीक है, और विंटर वेयर्स हो गए, कहीं स्वेटर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो वो सारा सब कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, इन्हीं जानवरों से मिलता है ना सारा सब कुछ। तो ये
व्यवस्था रहती है, ये व्यवस्था रहती है। तो ये गद्दी शिपिंग शेयर्ड, तो उनकी कटिंग बना के इस तरह से पूरा वुल निकाल लेते हैं, उनका जो कोट रहता है फर। अब ऐसा नहीं है कि भर ठंड में उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, किनके, भेड़ बकरियों के। देखा जाता है कि क्या समर्स आ रहे हैं, तो समर्स में क्या होता है कि समर्स में ठंड भी कम रहेगी, तब उनको क्या कर दिया जाता है, तब उनको एक तरह से शेव कर दिया जाता है पूरा, और उनका पूरा कोट निकाल लिया जाता है, उनके हेयर्स निकाल लिए जाते हैं। ये तो आप जानते होंगे छुट्टी क्लासेस से, ठीक है, ये हो गया। अब पैस्टोरल नोमैड्स इन द माउंटेन ऑफ इंडियन मैप, तो जैसे अगर आप देखोगे वैसे ये मैप पे आना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गुज्जर्स हो गए यहाँ पे, गुज्जर, ये गुज्जर जो है तो गुज्जर बकरवाल आर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। गद्दी ट्राइब्स जो है तो गद्दी आर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे अगर आप देखोगे उत्तराखंड में भी गुज्जर्स हैं, लेकिन वो बकरवाल्स नहीं है, क्यों, क्योंकि गुज्जर बकरवाल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए गुज्जर बकरवाल्स ऑफ आर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और सिंपल जो प्लेन गुज्जर्स हैं दे आर ऑफ उत्तराखंड। समझ में आया, जैसे भूतियाज हो गया, मोनपास हो गया, तो ये भूतियाज उत्तराखंड के हो गए। फिर जैसे अगर आप देखो तो शेरपा नेपाल के होते हैं, शेरपा, ठीक है, मोनपास हिमाचल प्रदेश के हो गए। तो ये सारे क्या है, ये पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज है, ठीक है। ये एक मैप पे मैंने इसी लगाया क्योंकि पूरे चैप्टर में जितना आप पढ़ोगे, धंगर्स के बारे में पढ़ोगे आप, रायकास के बारे में, बंजारास के बारे में, तो ये सारा मैंने आपको कुरमास, कोरबास, गोलास, तो ये सारा मैप पे आपको देखने को मिल रहा है, जो जो मेजर आपकी बुक में दिया है। समझ में आया। अगला ग्रुप अगर जैसे देखें तो गुज्जर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, ठीक है, गढ़वाल एंड कुमाऊं, ये माउंटेन रेंजेस कहाँ की, उत्तराखंड की है। तो सिमिलरली जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, तो जैसे अगर आप ईस्टवर्ड बढ़ते जाओगे तो उत्तराखंड में आपको एक और पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है, गुज्जर्स। तो गुज्जर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, तो द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भावर इन विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बुग्याल्स इन समर। अब ये क्या है, भावर और बुग्याल, तो वो समझाता हूं। देखो क्या हो रहा है ना, ऐसे दो मिनट इस फोटो में देखो, ये क्या है, हाई माउंटेन है यहाँ पे, तो अब विंटर्स में क्या होगा, ये तो पूरा सब स्नो कवर्ड होगा, ठीक है, हाई माउंटेन से नीचे उतर क्या होगा, तो ये कौन सा बेल्ट होता है, अगेन चैप्टर टू ज्योग्राफी, थोड़ा सा मतलब आप बोल रहे हो सर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन एसोसिएट करो क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखोगे तो हमने पढ़ा था कि माउंटेन जो है, थोड़ा ध्यान करो, क्या ध्यान करो, चलो रिवाइज करवाता हूं। अगर आप बात करें किसकी, नदन प्लेन की, तो नदन प्लेन आर मेड अप ऑफ फोर डिविजन्स, क्या है वो फोर डिविजन, माउंटेन से नीचे उतरोगे आप तो आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेगा बड़े बड़े बोल्डर वाला जोन देखने को मिलेगा, जहां पे स्ट्रीम्स क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। एंड दिस जोन इज नोन एज व्हाट, ये जो जोन रहता है, तो इस जोन में मतलब इस जोन में जहां पे स्ट्रीम्स डिसअपियर होने लगती है, इस जोन को क्या कहा जाता है, भावर, ठीक है, भावर जोन। फिर उसके बाद में स्ट्रीम जहां रीअपियर होती है, तो ये कौन सा क्षेत्र रहता है जहां स्ट्रीम्स रीअपियर होती है, जहां स्ट्रीम्स रीअपियर होती है, तो ये वाला क्षेत्र रहता है तराई रीजन, ध्यान आ रहा है। तो ये भावर बेल्ट हो गया, भावर, ये तराई, क्लियर हो रहा, तराई के बाद में देखोगे तो खादर और भांगर, फिर वो जो एल्यूवियल सॉइल का ओल्ड एल्यूवियल यानी भांगर और न्यू एल्यूवियल यानी खादर, तो वो वाला पूरा जोन रहता है ना। अब पॉइंट क्या है यहां पे, सारा सब कुछ क्यों बता रहा हूं, तो वैसे ही उत्तराखंड में जैसे अगर आप देखोगे तो जो गुज्जर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं रेंज है, तो दे केम डाउन टू द भावर रीजन, दे केम डाउन टू द भावर रीजन इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स, क्योंकि ऊपर ठंड है बहुत ज्यादा, ठीक है, वही फ्रोजन गोट हो जाएगी, तो इसके लिए क्या होते हैं, नीचे उतर के आ जाते हैं, ठीक है, इस भावर रीजन में अपना जीवन बिताते हैं सर्दियों में। फिर क्या होता है, सर्दियों में भावर रीजन में अपना जीवन बिताने के बाद में क्या होता है, जब गर्मी आती है तो अगेन दे मूव टू दी कह सकते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन, जो टॉप ऑफ द माउंटेन जहां पे मिडोज है, ग्रासलैंड है, तो वहां क्या कहा जाता है, उन मिडोज को बुग्याल्स कहा जाता है। शब्द से कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपल इसलिए आपको विजुअलाइज करवाते चल रहा हूं, क्या कि जो हाई माउंटेन एरियाज में इस तरह का ग्रेजिंग ग्राउंड रहता है, ठीक है, कबड्डी के मैदान जैसा रहता है कि यहाँ पे भेड़ बकरी आराम से दौड़ा लगा सके, तो इसे क्या कहा जाता है, हाई माउंटेन मीडोज जो रहती हैं वो बुग्याल्स कहलाती हैं। फाइन, तो समर्स में भावर रीजन में, अब सर यहाँ पत्थर खाएंगे कि नहीं, ग्रास यहाँ भी रहती है, तो फोटो पत्थर जैसी लगी है, यह समझना कि समर में पत्थर खाना चालू कर देते जानवर, ठीक है। तो यहाँ समर्स की बात ही हो गई, और विंटर्स की बात जैसे अगर आप देखोगे तो विंटर्स में यहाँ पे है और समर्स में यहाँ पे है, समझ में आ गया, समर्स विंटर्स में कंफ्यूज मत होना, वो सिंपल सी चीज ऐसे समझने वाली कि नीचे आ जाते हैं विंटर्स के टाइम पीरियड में और ऊपर चले जाते हैं वापस समर्स में, क्लियर हुआ। तो कहानी क्या है, द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भावर इन द विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मीडोस द बुग्याल्स इन समर। मेनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से थे ओरिजिनली, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, उत्तर प्रदेश और हिली एरियाज में आ गए 19th सेंचुरी आते आते, क्यों, इन सर्च ऑफ पास्चर, इसीलिए वो गुज्जर बकरवाल्स रह गए, गुज्जर्स हो गए। समझ में आया, तो सेम कम्युनिटीज है, लेकिन गुज्जर्स आर स्पेसिफिकली ऑफ उत्तराखंड, जम्मू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो हिली एरियाज है वहां पे, क्लियर हो गया। पेस्टोरल कम्युनिटीज ऑफ द हिमालयाज, पेस्टोरल कम्युनिटीज ऑफ हिमालयाज,
इंक्लूडिंग दी भूतियाज है यहाँ पे, ठीक है, भूतियाज, ठीक है, भूतियाज, शेरपाज एंड किन्नोरीज ऑल्सो फॉलो दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ नोमैडिज्म। तो जिससे मैंने बताया आपको कि और भी मल्टीपल कम्युनिटीज है, पेस्टोरल कम्युनिटीज पूरे हिमालयाज में, तो शेरपास है, किन्नूरीज है, मोनपास है, भूतियाज है, तो ये सारी कम्युनिटीज जो है जो माउंटेन्स में रह रही है पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज, वो इसी तरह का सीजनल मूवमेंट जो है वो फॉलो करती है। अब यहाँ पे एक एनालिसिस वाली चीज आ गई, क्या कि आपने कौन कौन सी पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी रह रही है इंडिया में इन द माउंटेन्स, वो देख लिया। और इसमें कॉमन पैटर्न हम क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं, देखो तो कॉमन पैटर्न जो हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं वो कॉमन पैटर्न क्या है, वो कॉमन पैटर्न यहाँ पे आपको अब समझना होगा कि कॉमन पैटर्न हम क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू द सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल पैश्चर इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, क्या हो रहा है, पूरी पूरी जो कहानी चल रही है ना कि एक जगह दूसरे का घूम रहे हैं, सीधे बैठ नहीं रहे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथ जो अपने जानवर है उनके लिए पैश्चर इकट्ठी करना है, मतलब उनके लिए क्या करना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना है। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट सीजनल चेंजेस, तो एंड दिस विल डिपेंड ऑन सीजन, क्योंकि विंटर्स में वहां पे ग्रास वगैरह मिलेगी नहीं, स्नो कवर्ड हो जाएगा तो क्या खाएंगे, बर्फ खाना तो ऐसा तो है नहीं कि या तो क्या बोल जाएंगे कि सब उपवास करने लग जाएंगे, ठीक है, खाना तो चाहिए रहेगा ना जानवरों को, तो वो पैश्चर के चलते क्या है फिर नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है, ताकि इफेक्टिवली उन्हें क्या मिलती रहे, पैश्चर मिलती रहे। व्हेन द पैश्चर वाज एग्जॉस्टेड और अनयूजेबल इन वन प्लेस दे मूव देयर हर्ड एंड फ्लॉक टू न्यू एरियाज, जब एक जगह पे खाने की कमी आती है दूसरी जगह चले जाते हैं, सही बात है, ठीक है। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द पैश्चर्स टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवरयूज, और जो ओवरग्रेजिंग वाला शब्द होता है ना, एनवायरमेंट को पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट के लिए थ्रेट है एक ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या है कि मान लो एक ही जमीन है वहीं पे सारे भेड़ बकरी, ठीक है, ऊंट सब खाना खा रहे हैं, तो वहां की जमीन जो है, तो जमीन बोलेंगे मेरी छाती में दर्द होने लगा, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेजिंग हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जब लेकिन जैसे सीजनल मूवमेंट होता ना, तो 6 महीने के लिए क्या है, हाई ग्राउंड्स बुग्याल वाला जो रीजन रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, थोड़ा आराम रहेगा, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ग्रेजिंग एरिया फिर से रिकवर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्वालिटी खत्म नहीं होगी, ओवर यूज नहीं होगा वहां के रिसोर्सेज का, ठीक है। विंटर उन्होंने क्या कर लिया, नीचे की जो लो हिल एरियाज थे शिवालिक के वहां पे ग्रेजिंग चली, अब समर्स में ऊपर चलेगा जब तक ये नीचे वाला एरिया रिकवर कर लेगा अपने आप को, तो ओवर यूज या फिर ओवर ग्रेजिंग जैसी समस्या नहीं होगी। सो दिस इज गुड। तो साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट इन माउंटेन इट इज बिंग परफॉर्म, ये जो साइक्लिक मूवमेंट है तो इट इज बिंग परफॉर्म इन कंसिडरेशन टू दी सीजन एंड दी अवेलेबिलिटी ऑफ पैश्योर, एंड इट इज गुड एज इट प्रिवेंट दी, क्या कह सकते हैं, एज इट हेल्प दी पैश्योर टू रिकवर एंड इट प्रिवेंट दी ओवर यूज ऑफ दी सॉइल एंड लैंड। समझ में आ गया, ये कहानी रही है कहां की, माउंटेन्स की। समझ में आया माउंटेन्स का सीजनल मूवमेंट, साइकिल ऑफ मूवमेंट, वो सब कुछ। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, मतलब ये बहुत समझदारी वाला काम भी हुआ क्या, कि बहुत अच्छी तरह से आपने क्या कर लिया, सॉइल को, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस को रिकवर करने का मौका दिया पूरा, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े एक और कदम, तो अब एक कदम आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा कि पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट ऑन दी प्लेटू प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। चलो एक बार रिकॉल करवाऊंगा ताकि आप पीछे वाला पार्ट सपाट ना हो जाए आपका। तो हमने माउंटेन्स वाला काम, मतलब पार्ट पूरा पढ़ लिया पेस्टोरल नोमैड्स का इन इंडिया, गुज्जर बकरवाल्स, गद्दीस और गुज्जर्स, इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम आ गए माउंटेन से उतर के कहां पे, जमीन पे, ठीक है। तो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट ऑन प्लेटू प्लेन्स एंड डेजर्ट, तो कंट्री का जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है कि डेजर्ट में, प्लेन एरिया में, प्लेटू रीजन में, क्या यहां भी कोई पेस्टोरल ग्रुप्स रहते हैं तो कौन है, कैसे। तो स्टार्ट करते हैं किससे, धंगर्स से। अब धंगर्स के बारे में आपने सुना भी होगा, धंगर्स क्या है, तो धंगर्स वर एन इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जय महाराष्ट्र। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो धंगर्स जो है इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है, दे आर ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में भी कहां है, तो देखो मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स। शेफर्ड्स मतलब वो एक चरवाहे है, अब आप पेस्टोरल कह लो या शेफर्ड्स कह लो उसमें कंफ्यूज मत होना, शेफर्ड्स मतलब क्या है, चरवाहे हैं जिनके पास क्या है, बहुत सारे वो रहते हैं, पशु रहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स, सम वर ब्लैंकेट वीवर्स एंड स्टिल अदर वर बफेलो हर्डर्स। तो यहाँ जैसे अगर आप देखोगे ना, तो कुछ ब्लैंकेट वीवर्स हैं, कुछ बफेलो हर्डर्स हैं, तो ये भैंस वगैरह, और आप देखना तो शेफर्ड ग्रुप्स जो रहते हैं तो उनके पास बहुत बहुत बेहतरीन डॉग्स भी होते हैं, ठीक है। उनके जो कुत्ते रहते हैं बड़े खतरनाक रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरी जो कैटल रहती ना, पूरी कैटल जो रहती है उनके साथ में आगे चलते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं इस तरह से। व्हाट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड, वो बता रहा हूं, बुक में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप कभी आगे देखो कहीं भी इस तरह के पेस्टोरल ग्रुप्स को, तो देखना उनके साथ एक डॉगी रहता है, वो डॉगी बहुत बहुत भयंकर खुखार टाइप से रहता है और बहुत तेज रहता है, वो पूरे हर्ड की रक्षा करता है एक तरह से, ठीक है। आई हैव पर्सनली सीन दिस, इसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स,
ब्लैंकेट वीवर्स स्टिल अदर वर बफेलो हर्डर्स द दंगर शेफर्ड्स स्टेड इन द सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मॉनसून। अब क्या हो रहा है, तो जैसे हमने देखा माउंटेन्स में मूवमेंट किस चीज पर डिपेंडेंट था, माउंटेन्स के जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उनका मूवमेंट सीजन के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है, सीजन में भी विंटर को कंसिडर करते हुए, टेम्परेचर वाले पॉइंट को कंसिडर करते हुए। लेकिन जो प्लेटू प्लेन और कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया में पेस्टोरल कम्युनिटीज रहेंगी ना, उनका मूवमेंट समर्स और विंटर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उनका मूवमेंट इन्फ्लुएंस होगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से, मॉनसून से। क्या कहा जा रहा है कि धंगर कम्युनिटी जो है ना, तो धंगर कम्युनिटी कंट्री के सेंट्रल पार्ट में रह रही है, महाराष्ट्र मतलब जो है, तो महाराष्ट्र के भी सेंट्रल पार्ट में रह रही है, जो महाराष्ट्र का सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा ड्राई रीजन रहता है, तो ड्राई रीजन है, बारिश वाले टाइम पीरियड में तो क्या करेंगे, बारिश वाले टाइम पीरियड में तो यही रह लेंगे, क्योंकि ड्राई होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो पानी मिल ही जाता है। तो मानसून का जो सीजन रहता है, मानसून के सीजन में धंगर कम्युनिटी कहां रह रही है, जहां रहती है वहीं रह रही है, सेंट्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, सेंट्रल पार्ट या फिर कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में। फिर क्या होगा देखो, तो दिस अब ये जो क्षेत्र है ना, तो दिस वाज अ सेमी एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल, इट वाज कवर्ड विथ थ्रोनी स्क्रब्स, नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर। तो समर जैसे मानसून की बात की जाए, तो मानसून में क्योंकि सॉइल भी उतनी अच्छी नहीं है, पानी भी उतना नहीं, लेकिन मानसून में थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो ड्राई क्रॉप सच एज बाजरा वगैरह ग्रो करा के यहाँ पे काम चल जाता है, ठीक है, बाजरा वगैरह ग्रो करा के काम चल जाता है। लेकिन इन द मॉनसून दिस ट्रैक्स बिकम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर दी धंगर फ्लॉक्स, ठीक है, तो अब क्या है, धंगर्स के पास में जितने भी धंगर्स आर दी क्या है, शेफर्ड्स, तो उनके पास जितने भी बफेलोज हैं, उनके पास जितने भी मान लो गोट शिप है, दूसरे वैसे शिप तो कमी रहेंगी, तो उनके लिए क्या होता था, उनके लिए मानसून में अच्छी व्यवस्था होती थी खाने पीने की, कि मानसून में तो क्या उनको ये, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, फाइन, ये जो पूरा एरिया है आपको क्या देखने मिल रहा है, सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, दिस इज ग्रीन ड्यू टू दी रेनफॉल, बारिश वारिश है तो खाने को मिल जाता है, लेकिन बाय अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्ट देयर बेजा नहीं है, बाजरा आएगा, ठीक है, बाजरा, फाइन, तो बाय अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्ट देयर बाजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। अब क्या होगा कि इन्होंने क्या किया, मॉनसून तो जो सेंट्रल प्लेटू है महाराष्ट्र का, सेंट्रल प्लेटू यारा जो पूरा क्षेत्र है जो कि रिलेटिवली ड्राई है, लेकिन मॉनसून के टाइम पीरियड में तो पानी मिल जाता है, तो अपना काम चला लिया 3-4 महीने। अब ये मूव करेंगे किधर, वेस्ट, कब मूव करेंगे, तो ये कब मूव करेंगे टुवर्ड्स वेस्ट, जैसे अगर आप देखेंगे तो बाय अक्टूबर, अब क्योंकि क्या है पानी नहीं आना है, अब सूखा रहेगा क्षेत्र, तो वो वेस्टवर्ड मूव करने लगते हैं, समझ में आया ना, तो विथ, ठीक है, जब तक मानसून है तो अलोंग विथ मानसून दे आर स्टेइंग इन द सेंट्रल पार्ट ओनली, ठीक है, बट दे विल मार्च टुवर्ड्स द वेस्ट, मार्च टुवर्ड्स द वेस्ट मतलब क्या है कि जब मानसून खत्म हो गया तो वेस्टवर्ड मूव करने लगते हैं, विंटर्स आते आते, मतलब मॉनसून के बाद में अब क्या देख रहा हूं, विंटर आता है, तो विंटर्स आते आते क्या है, वो वेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, वेस्ट मतलब उनका वेस्ट, अगर वो सेंट्रल प्लेटू में थे तो इस तरफ वेस्टवर्ड मूव कर जाते हैं वो। अब इस पॉइंट को समझना कि वेस्टवर्ड क्यों मूव कर जाते हैं, दिस इज द पॉइंट, तो धंगर्स इन विंटर्स, तो विंटर्स के टाइम पीरियड में दे रीच कोंकण, अगेन कहां पढ़ा है आपने, तो कोंकण की अगर कहानी पढ़े हम, तो कोंकण भी आपने वही ज्योग्राफी में पढ़ा है, अब बोलोगे सर हाँ पूरा तो ज्योग्राफी से रिलेट हो रहा है, तो एक कोस्ट है कोंकण कोस्ट, ठीक है, फिर आप जैसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोंकण के बाद में कन्नड़ा कोस्ट आ जाता है, मलाबार कोस्ट आ जाता है, तो ये वेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, ये जो पूरा कोंकण कोस्ट है ना, कोंकण कोस्ट की तरफ, कोस्टल रीजन में क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर भी क्या होता है आपको देखने को मिलता है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती रहती है, ठीक है, ये वाला जो ट्रैक रहेगा कोंकण कोस्ट जो रहेगा, तो कोस्टल रीजन थोड़ा सा फर्टाइल भी रहता है, ठीक है, थोड़ा सा फर्टाइल भी रहता है, फर्टाइल होने के साथ साथ क्या है वहां पे बारिश भी होती रहती है, तो उनके जानवरों को क्या मिल जाएगा जो चाहिए, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स मिल जाएंगे, समझ में आया, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मॉनसून तो वो जैसे तैसे सेंट्रल प्लेटू ड्राई रीजन में अपना काम चला लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, दे मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, बाय अक्टूबर दे मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, दे रीच कोंकण कोस्ट, ठीक है, विथ दिस वॉज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल, और ये जो क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है कोंकण कोस्ट वाला, ये क्या एक फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक है विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल, तो यहाँ पे सॉइल भी खूब है, ठीक है, रेनफॉल भी अच्छी मिल जा रही है, क्लियर हुआ, तो हियर द शेफर्ड्स वर वेलकम बाय कोंकणी पीजेंट्स, और यहाँ पे जो कोंकण कोस्ट में पीजेंट्स रहते थे ना, वो पीजेंट्स इन शेफर्ड्स को बहुत वेलकम करते दिल खोल के, आइए, अब आपके मन में एक सवाल, सर ये तो खुद अकेले थोड़ी ना आ रहे, इनके साथ में पीछे एक पूरा जत्था आ रहा है, इतने सारे जानवर लेके आ रहे हैं, पीजेंट्स को तो डर लगना चाहिए क्या कि हमारी पूरी फसल खा जाएंगे इनके जानवर, और पीजेंट्स तो उनका वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, लॉजिक समझो, ठीक है, क्या हो रहा है, जब आपके घर में खाने का सामान रखा रहेगा, ठीक है, आपको ऐसा कि किसी को देना नहीं तो आप तो चोरी चोरी खा जाओगे,
अब खाने के बाद खत्म कर दिया, जब हाथ धो लिए और फिर कोई मेहमान आ रहा था, बोला आ जाओ आ जाओ, अब तो खा लिया हमने, है ना। मतलब ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि पीजेंट्स ने अपनी क्रॉप हार्वेस्ट कर ली है, अब क्रॉप के नाम पे कुछ बचा नहीं है, तो अब जानवर आ रहे हैं तो उनको ऐसे कोई डर नहीं कि जानवर क्या खाएगा, उल्टा वेलकम इसलिए करके क्योंकि अब जो बचा हुआ क्या सकते हैं कि भूसा रह गया है ना, भूसे के लिए अब खुद तो खाएंगे नहीं भूसा, तो उन्होंने जानवरों को वेलकम किया कि आओ, ठीक है। धंगर पीजेंट मतलब धंगर नोमैड्स जो आए हैं, ये धंगर पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज जो आई है, तो अपने जानवरों को अपने साथ लेके आई है, तो हमें क्या दे देंगे ये, मतलब हमें देंगे कुछ नहीं लेकिन हमारा पूरा जो खेतों में भूस पड़ा है वो खा जाएंगे, ठीक है, जो रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स है वो तो खाई जाएंगे। समझ में आया ना क्यों वेलकम कर रहे हैं। तो आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट, मानसून चले गया, उन्होंने अपनी बाजरे की फसल काट, क्या है जो कोनकानी पीजेंट्स थे उन्होंने भी अपनी फसल काट ली है, क्लियर। तो आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वॉज कट, एट दिस टाइम द फील्ड हैड टू बी फर्टिलाइज एंड मेड रेडी फॉर रबी हार्वेस्ट। विंटर क्रॉप्स के लिए खेतों को तैयार करना है पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज आपको यह भी है कि खेत अगर फर्टिलाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो धंगर कम्युनिटी आ रही है, धंगर कम्युनिटी अपने जानवर लेके आ रही है, तो धंगर कम्युनिटी के जानवर जिस खेत में खाएंगे, अब जानवरों के लिए अलग से टॉयलेट तो बनाते नहीं, ठीक है, तो जिस खेत में खाएंगे उसी खेत में क्या करेंगे, काउडंग वगैरह ऐड करेंगे, मैन्योर ऐड हो गया खेतों में। तो इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ले जाते कि हमारे खेत में ले चलो यार तुम्हारे जानवरों को सारे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे थोड़े से, क्यों, क्योंकि इतने सारे जानवर रहते हैं, इतने सारे, जैसे सेंट्रल इंडिया, आई एम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, मैं अगर आपको वहां की बात बताऊं तो क्या होता है कि भेड़ वाले जो लोग आते हैं, जैसे अभी आगे पढ़ेंगे बंजारा कम्युनिटीज अपने भेड़ बकरी के साथ आती है, रायकाज आते हैं, तो उन लोगों को पैसे दिए जाते कि आप हमारे खेत में अपना रेन बसेरा लगा लो थोड़े दिन के लिए, क्यों, क्योंकि हमारे खेत में आपके जानवर घूमते रहेंगे, वहीं वो पूरा क्या कह सकते हैं कि पूरा जो रिमेन्स है स्ट्रॉ वगैरह, ठीक है, वो खा जाएंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, अब जब वो उस खेत पे रहेंगे तो दे विल ऐड फर्टिलाइजर टू आवर फील्ड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, काउडंग वगैरह ऐड हो जाएगा। समझ में आया, वो केस रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दी शेफर्ड्स, व्हाई दी धंगर शेफर्ड्स वर वेलकम बाय दी कोनकानी पीजेंट्स, तो दे फर्टिलाइज्ड एंड मेड देयर फील्ड्स रेडी फॉर रबी हार्वेस्ट, धंगर फॉक्स मैन्योर दी फील्ड्स एंड फेड ऑन दी स्टबल, तो स्टबल बर्निंग मतलब स्टबल ईटिंग जो होता है वो यहाँ पे होगा कि जो क्रॉप्स का रिमेन्स रह गया वो खा जाएंगे सारे जानवर, ठीक है। द कोनकानी पीजेंट्स आल्सो गेव सप्लाइज ऑफ राइस व्हिच द शेफर्ड्स टुक बैक टू द प्लेटू वेयर ग्रेन वाज स्कैर्स। अब वो जहां से आए थे धंगर कम्युनिटी के लोग, वहां तो खाने की कमी थी वैसे ही, तो यहां से राइस वगैरह भी लेके चले जाते हैं वो, चलो दोनों का काम, विन विन सिचुएशन एक तरह से, ठीक है। तो मानसून आ गया, अब मानसून आ गया, जैसे विंटर से विंटर समर पूरा टाइम उन्होंने इधर ही बिताया धंगर कम्युनिटी ने कोनकन कोस्ट पे अपने जानवरों के साथ, और फिर आ जाएगा मानसून, तो अब क्या हो जाएगा, विद मानसून धंगर्स लेफ्ट दी कोनकन एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट्स। तो मानसून वो कहां जाएंगे, वापस अपने वही पुराने जगह पे, क्योंकि मानसून में तो उनके ट्रैक्स फिर हरे हो जाते हैं ना, मानसून वहां बिताएंगे, अगले मानसून के बाद में अगले विंटर में फिर वापस वही साइक्लिक मूवमेंट चालू हो जाएगा। यहां क्या देखा आपने, तो इन दी प्लेटो रीजन, प्लेन रीजन और डेजर्ट भी, इन बाकी रेस्ट ऑफ दी कंट्री में आप क्या देखेंगे कि पेस्टोरल नोमैड्स का जो मूवमेंट रहेगा, ठीक है, तो वो समर और विंटर पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो मॉनसून से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, वो मॉनसून से इन्फ्लुएंस हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, अगला ग्रुप क्या है, पेस्टोरलिस्ट ऑफ ड्राई सेंट्रल प्लेटू। ड्राई सेंट्रल प्लेटू मतलब क्या है, देखो इधर ड्राई सेंट्रल प्लेटू यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये ड्राई सेंट्रल, जैसे हमने ये देख लिया धंगर से हो गए और नीचे आ जाओ तो ड्राई सेंट्रल प्लेटू, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये लीवर्ड साइड है, ध्यान करो अगेन ज्योग्राफी, ये क्या है, माउंटेन का लीवर्ड साइड है, तो यहां पे तो वैसे भी बारिश कम होती है, तो ये ड्राई सेंट्रल प्लेटू वाला रीजन रह जाएगा। अब ये ड्राई डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है, तो यहां पे क्या जैसे देखने को मिल रहा है, कुर्मास, कोरबास, गोलास, ये सारी नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज रहती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेटू वॉज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास, इनहेबिटेड बाय कैटल, गोट एंड शिप हर्डर्स। तो यहाँ पे भी कैटल, गोट, शिप हर्डर्स रहते हैं, क्लियर हुआ। अभी कैटल गए, जैसे कौन कौन है, दी गोलास हर्डेड कैटल, दी कुर्मास एंड कुर्बास, रेड शिप, ठीक है, शिप एंड गोट्स एंड सोल्ड वोवन ब्लैंकेट। तो क्या देखने को मिल रहा है, कुर्मास, कुर्बास, गोलास, ये सारी कम्युनिटीज यहाँ रहती है, इस तरह से जानवर वगैरह को पालती है सेंट्रल प्लेटू की भी अगर हम बात करें कर्नाटका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की। दे लिव्ड नियर दी वुड्स, लिव्ड नियर दी वुड्स मतलब जंगलों के आसपास, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, एंगेज इन वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेड्स एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्डर्स, ठीक है। तो वही अपने जानवरों के साथ रहते हैं, छोटी मोटी खेती भी कर लेते हैं और जानवरों का पालन पोषण भी करते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो माउंटेन पेस्टोरलिस्ट हैं और जो प्लेटू वाले पेस्टोरलिस्ट हैं, ठीक है, तो माउंटेन के पेस्टोरलिस्ट का मूवमेंट मैंने आपको समझा दिया वैसे तो, क्या कि उनका मूवमेंट विंटर के ऊपर डिपेंड करता है और इनका मूवमेंट किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। उसे अगर और अच्छे से समझें तो ऐसा आंसर बन जाएगा क्या, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ
माउंटेन पैस्टोरलिस्ट वर्सेस द मूवमेंट ऑफ प्लेटू पैस्टोरलिस्ट. तो अनलाइक द माउंटेन पैस्टोरलिस्ट, इट वॉज नॉट द कोल्ड एंड द स्नो दैट डिफाइंड द सीजनल रिदम्स ऑफ द ऑफ देयर मूवमेंट. ठीक है, जो प्लेटू के पैस्टोरलिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उनका मूवमेंट कोल्ड या फिर स्नो से डिफाइंड नहीं होता है. ठीक है, रादर इट वाज द अल्टरेशन ऑफ मॉनसून एंड ड्राई सीजन. मॉनसून में तो वो अपनी जगह पे भी बैठ के क्या कर सकते हैं, अपने कैटल्स के लिए पैश्योर या फिर फॉरेज जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं. लेकिन समस्या कब आती है, ड्राई सीजन में. तो क्या हो रहा है कि इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्स एंड लेफ्ट व्हेन द रेन कम्स. और क्या होता है, जब बारिश आ जाती है तो वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाते हैं, और जब ड्राई सीजन रहता है तो कोस्टल ट्रैक्स में चले जाते हैं. तो यहां पे प्लेटू के जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं उनका मूवमेंट किस चीज पे डिपेंडेंट है, उनका मूवमेंट डिपेंडेंट है अल्टरेशन ऑफ मॉनसून के ऊपर. ठीक है, कि मॉनसून जो बदलता रहता है ना, ऐसा वो चीज है. तो ओनली बफेलोस लाइक द स्वाम्पी वेट कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ. अब मॉनसून मंथ के टाइम पीरियड में क्या होगा, देखो उन्हें वापस, आप ऐसे बोलते हो सर कोंकण कोस्ट पे रह जाए, फिर वो ड्राई रीजन में आते क्यों है. लेकिन अब जैसे धंगर्स का हमने पढ़ा केस, धंगर्स के केस में हमने क्या देखा कि उनके पास क्या है, उनके पास बफेलोस भी है. तो बफेलोस को ही कोस्टल एरिया में पड़े रहना अच्छा लगेगा कि हाँ अपने को तो पानी वानी भी सब चल जाएगा. बफेलोस मतलब बफेलोस विल बी लाइक हम तो बहुत खुश है, ठीक है यही पानी भी है यही रहने दो. लेकिन क्या होता है कि दूसरे जो कैटल्स है ना उनके पास, जैसे अदर कैटल्स लाइक गोट एंड शिप, दे हैव टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेटू विंटर्स के मॉनसून के टाइम पीरियड में. क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी उनको अच्छा नहीं लगेगा. तो इस तरह से वो सीजनल मूवमेंट चलता रहेगा. ठीक है, बफेलो का क्या है, बफेलो तो हाँ ठीक है पानी पानी में रहने दो हमें. ठीक है, उस टाइप से समझ में आया. सो दिस इज द केस, दिस इज द क्लेस, मतलब दीज आर द पॉइंट्स व्हिच मेक्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन द माउंटेन पैस्टोरलिस्ट एंड प्लेटू पैस्टोरलिस्ट. ठीक है, प्लेटू पैस्टोरलिस्ट और माउंटेन पैस्टोरलिस्ट में इस तरह से डिफरेंशिएशन हो रहा है. क्लियर हो गया. तीसरी कम्युनिटी है बंजारास की. ठीक है, तीसरी कम्युनिटी है बंजारास की. कितने लोगों के दिमाग में मतलब इस तरह से बंजारा बंजारा गाना बजने लगा था. तो ये वाले बंजारा नहीं बात कर रहे हम. ठीक है, ये वाले बंजारास की बात कर रहे हैं हम. बंजारास अगेन क्या है, बंजारास अगेन जैसे अगर आप देखोगे तो एक नोमैडिक हर्डर्स हैं. ठीक है, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है. तो ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. तो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहां पे आपको बंजारा कम्युनिटी मिल जाएगी. इनफैक्ट आपने छोटी क्लासेस में आई गेस शायद सेवंथ में पढ़ा होगा कि बंजारास प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिंस पास्ट. पास्ट के टाइम पीरियड में भी क्या होता था कि ये एक तरह से बोलते ना, जैसे आज का कुरियर सर्विस चलती है, पहले कुरियर सर्विस इनके द्वारा चलाई जाती थी क्योंकि देवर कंटिन्यूसली ऑन मूव. तो राजा महाराजाओं का सामान एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से ये नोमैडिक कम्युनिटीज पहुंचाती थी कि हम उधर जा रहे हैं, हम देते हुए चले जाएंगे, लाओ तुम्हारा पार्सल. ठीक है, तो बंजारा अगेन सेंट्रल इंडिया की प्लेन रीजन के, जैसे प्लेन्स की बात करें तो प्लेटू की कम्युनिटीज आपने देख ली कौन कौन सी, धंगर्स, कोरबास, कुरमास, गोलास. वैसे अगर आप यहां देखोगे तो बंजारा कम्युनिटी जो है तो दे आर दी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेन एरिया के. इन सर्च ऑफ गुड पैश्चर लैंड फॉर देयर कैटल दे मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सेलिंग प्लो कैटल्स. जैसे बैल वगैरह होते हैं ना, आई स्टिल रिमेंबर कि बंजारा जो आते थे तो उनके साथ बहुत सारे बैल होते थे. बैलगाड़ी देखी आपने, इनके पास बहुत सारे बैल होते थे और अच्छे बैल होते थे एक नंबर. तो जैसे जिस गांव में से निकलते थे ना, तो जहां इनका डेरा लगा रहता था वहां गांव वाले सारे लोग जाते थे इनके बैल देखने के लिए. और अगर गांव वालों को कुछ पसंद आता था तो गांव वाले इनसे बोलते थे कि यार तुम्हारे बैल की जोड़ हमें दे दो. ठीक है, तो मतलब ये जो ऑक्स हैं तुम्हारे इनकी जोड़ हमें दे दो, दो एक साथ पेयर में, हम पैसे दे रहे हैं तुम्हें. तो इस तरह से क्या खरीदना बेचना चलता रहता था. खास करके बैल भी होते हैं इनके पास, ऊंट, बैल, गाय वगैरह. तो वो यहाँ पे बताया गया कि ये घूम क्यों रहे हैं, क्योंकि पैश्चर चाहिए ने अपने जानवर को फीड करने के लिए. दे मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सेलिंग प्लो कैटल एंड अदर गुड्स टू विलेजर्स इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन्स एंड फोडर्स. ठीक है, तो कह सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट भी देते हैं वो, जैसे जानवर ही बेच दिए या फिर घी वगैरह बेच दिए इस तरह का, और बदले में उनसे ग्रेन्स वगैरह लेते थे लोगों से. और इस तरह से मूवमेंट करते रहते हैं अपने कैटल्स के साथ में. बंजारास हो गया. बंजारास के अलावा एक और, जैसे हम देखें तो पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी इन डेजर्ट एरिया की अगर बात करें तो डेजर्ट एरिया की जो पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी है वो है रायकास. फाइन, अब रायकास कौन है देखो, तो जिस तरह से आपने बंजारास देखे, जिस तरह से आपने धंगर्स देखे, जिस तरह से आपने मतलब सब अलग अलग जगह, जिस तरह से आपने क्या देख लिया, गुज्जर बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर माउंटेन रीजन के देख लिए, वैसे डेजर्ट रीजन की जो पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी है वो है रायकास. ठीक है, तो इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लिव द रायकास. रायका कम्युनिटी राजस्थान के डेजर्ट रीजन में रहती है.
क्लियर हो गया। द रेनफॉल इन द रीजन वॉज मीगर एंड अनसर्टेन, पानी की कमी है राजस्थान में। जैसे अगर आप देखोगे ऐसा पूरा राजस्थान सूखा नहीं है, राजस्थान में भी हरियाली है, लेकिन जो डेजर्ट रीजन है, जो अरावली के वेस्ट में और चले जाओगे तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि डेजर्ट रीजन जो है तो वहां पर रेनफॉल की कमी है, ठीक है, अनसर्टन है रेनफॉल। तो ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, तो जो कुछ खेती अगर कर भी रहे तो हार्वेस्ट जो हर साल फ्लक्चुएट होती, कभी हो भी गई कभी नहीं भी हुई, ठीक है। तो ओवर वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप्स कुड बी ग्रोन, बड़ा बड़ा ट्रैक जो ऐसा जो पूरा रेतीला है वहां पे तो फसल हो ही नहीं रही है। तो जो रायका कम्युनिटीज हैं, तो सो द रायका कंबाइंड कल्टिवेशन विद पैस्टोरलिज्म, तो रायकास क्या कर रहे हैं कि खेती तो कर ही रहे हैं अपनी छोटी मोटी जैसी भी हो जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ पैस्टोरलिज्म को भी परफॉर्म कर रहे हैं, जानवरों को भी पालते हैं, ठीक है, जानवरों को भी पालते हैं। तो अब इनका जीवन मानसून पीरियड में और नॉन मानसून पीरियड में अलग अलग रहता है। कैसे, जैसे दंगर्स का था, मानसून पीरियड में तो अपनी जगह पर रहकर थोड़ी मोड़ी खेती कर लेंगे, लेकिन जब मानसून नहीं रहेगा तो फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, देन दे आर ऑन मूव, देन दे बिकम नोमैड, समझ में आया। तो मानसून पीरियड में क्या हो रहा है, द रायकास ऑफ बारमेर जैसलमेर जोधपुर एंड बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेजेस देयर पैश्चर वॉज अवेलेबल। क्लियर हुआ? तो मानसून पीरियड में तो क्या कर रहे हैं, मानसून पीरियड में जो रायका कम्युनिटीज है ऑफ बारमेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, वो अपने घर पे ही रहते हैं जहां उनको थोड़ा बहुत पानी भी मिल जाता, तो अपने जानवरों के लिए पैश्योर अवेलेबल रहता है। बारिश के टाइम में तो सभी जगह इंद्रदेव थोड़ा थोड़ा छीटे छाटी तो मार ही देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मानसून पीरियड में क्या होगा, जब कोई पैश्योर अवेलेबल नहीं रहेगी तब क्या होता है, तो बाय अक्टूबर व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ अदर पैश्योर एंड वाटर एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून। तो जब मानसून जाने के बाद में विंटर्स में ये भी क्या करते हैं, अपने झोले झंडे बांध लेते हैं और चल पड़ते हैं, ठीक है। कब तक घूमते हैं, कब तक घूमते हैं, तो नेक्स्ट मानसून तक। नेक्स्ट मानसून में आके वही अपने खेतों पे खेती कर लेंगे और जानवरों के लिए ग्रेजिंग एरिया वहीं वो सिक्योर कर लेते हैं। सो इस तरह से उनका भी मूवमेंट, अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द अल्टरेशन ऑफ मानसून एंड ड्राई सीजन, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ the nomadic pastoralist in the central plateau. समझ में आ गया? तो one group of rayka known as maru raykas. अब ये मत सोचना maru raykas बहुत मारते होंगे, इनके पास चले जाए हम। maru raykas, maru का मतलब होता है desert, ठीक है। तो one group of raykas known as maru raykas, ठीक है, जो desert एकदम पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हैं, तो वो क्या है, वो maru raykas है। तो they herded camels and another group reared sheep and goat. तो जो normal raykas हैं, वो क्या हो रहे हैं, normal raykas sheep और goat ज्यादा rear करते हैं, पालते हैं, और जो मारू रायकाज है वो कैमल हर्ड, मतलब कैमल को पाल के रखते हैं, क्योंकि वो डेजर्ट में रहे तो उनके लिए तो उनकी शिप, उनका जहाज कौन है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है ना, वैसा। समझ में आया? तो दिस वाज दी स्टोरी अबाउट रायकास, ये रायकास का, मारू रायकास ध्यान रखना, डेजर्ट वाले हैं। तो लाइफ ऑफ दीज पेस्टोरल ग्रुप्स, तो जितना भी हमने पेस्टोरल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा अभी तक, ठीक है, चाहे वो माउंटेन्स की बात कर लो, चाहे वो हम प्लेन प्लेटू डेजर्ट रीजन के माउंटेन पेस्टोरल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, सारे पेस्टोरल ग्रुप्स जो हैं, सारे पेस्टोरल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ कैसी है, तो देयर लाइफ इज सस्टेन बाय अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द होस्ट ऑफ फैक्टर्स। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स को वो कंसिडर करके चलते हैं, तभी उनका जीवन यापन हो पाता है। मतलब जीवन उतना सरल नहीं है जितना आप कहीं एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, उतना सरल जीवन नहीं होता है नोमैडिक हर्डर्स का, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ग्रुप्स का। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है। दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पैश्चर। उन्हें जज करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखो, इंसान तो बोल भी देता है मुझे कि चार रोटी खाऊंगा, उन्हें ये देखना पड़ता है कि हाँ इतना ग्रेजिंग एरिया में हम कितने दिन तक सस्टेन कर पाएंगे, कितने कितने दिन तक जानवरों को हम यहां रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहां पानी और खाना अवेलेबल रहेगा हमारे हर्ड्स के लिए, हमारे कैटल्स के लिए, तो वो उस तरफ मूव भी करते हैं, वो उस तरफ मूव भी करते हैं। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड एंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो साल के किस समय तक कहां होना चाहिए, ताकि वो अपने साइकिल को संभाल पाए पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ कुछ को खेती भी करना है वापिस अपने बैक होम जाकर। समझ में आया? उन्हें यह इंश्योर करना पड़ता है कि वो, उन्हें कहीं कोई रोके ना, सारी टेरिटरीज पे जाने दिया जाए, ठीक है। दे हैड टू सेट अप रिलेशनशिप विद द फार्मर्स ऑन द वे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता हमें एक साल का काम नहीं, हर साल आना, तो जो जिनके खेतों में से निकल रहे हैं उनसे क्या करना पड़ता है, अच्छे संबंध रखना पड़ते हैं। समझ में आया? तो मल्टीपल वही बोल रहा हूं कि इनकी जो लाइफ है, इट इज सस्टेन बाय द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ होस्ट ऑफ फैक्टर्स। एक दो नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स को देख के उनका जीवन यापन होता है। समझ में आया? दे कंबाइंड अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। जैसे अगर आप देख रहे हो तो नोमैडिक हर्डर्स जो है, पेस्टोरलिस्ट ग्रुप जो है, तो वो कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, हर्डिंग भी कर रहे हैं, जानवरों को पाल भी रहे हैं, फाइन।
ताकि वो अपना जीवन जी सके, टू मेक देयर लिविंग, जीवन यापन ऐसे कर रहे हैं वो लोग. दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज द वंडरफुल स्टोरी ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटीज इन इंडिया, बोथ इन द माउंटेन्स एंड इन द प्लेटू रीजन. तो माउंटेन्स वाले भी बता दिए मैंने आपको, प्लेटू रीजन वाले भी बता दिए. तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बताया आपको, थीम, थीम हमारी कुछ ऐसी रहने वाली है कि जिसमें हम क्या करेंगे, इंडिया के पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे. पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करते चलो क्या क्या पढ़ा हमने. गुज्जर बकरवाल, गद्दीस, गद्दीस के साथ साथ में गुज्जर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओ सॉरी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश वाले देख लिए. तो माउंटेन के पेस्टोरल नोमैड्स हो गए. प्लेटू और प्लेन और डेजर्ट रीजन में देखोगे तो आपने धंगर्स के बारे में पढ़ा, आपने जो सेंट्रल प्लेटू के जो दूसरे जैसे गोलास, कुरमास, कुरबास, इनके बारे में पढ़ा, आपने बंजारास के बारे में पढ़ा, आपने रायकास के बारे में पढ़ा. क्लियर हुआ? अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो ये देखेंगे कि इनका जीवन तो देख लिया हमने, लेकिन जब ब्रिटिश आए कॉलोनियल टाइम पीरियड में इनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, वो वाली चीज हम चैप्टर के आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे. समझ में आया? तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा वो अब हम आगे समझेंगे. क्लियर हुआ? ये देखो दिस पार्ट एंड हियर वी गो. कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ. कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ मतलब क्या है कि समझिए, जैसे आपने पिछले पार्ट में क्या देखा, आपने अभी तक चैप्टर के पिछले पार्ट में ये सब कुछ देख चुके हैं कि जो अलग अलग नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटीज थी वो किस तरह से फॉरेस्ट या फिर कह सकते हैं पैश्योर और ग्रेजिंग लैंड पर डिपेंडेंट थी, और उसी के हिसाब से चाहे वो मानसून हो चाहे वो कोल्ड मतलब विंटर्स एंड समर्स हो, उस हिसाब से उनका साइक्लिक मूवमेंट जो था वो डिफाइन होता था. क्लियर हो रहा है? लेकिन जब कॉलोनियल रूल आता है ना देश पे, कॉलोनियल रूल आने का मतलब क्या है कि जब जैसे इंडिया में ब्रिटिश आ जाते हैं, तो इंडिया में जब ब्रिटिश रूल आता है तो ब्रिटिश रूल ने पेस्टोरल लाइफ जो थी, जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, उनके जीवन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा, वो सारी चीजें जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं. देखो ये टॉपिक बहुत प्रिसाइज है और बहुत अच्छे से समझना. कैसे प्रिसाइज और कैसे बहुत अच्छे से समझना, जैसे अगर अब आगे आप चैप्टर में एक और चीज पढ़ोगे अफ्रीका की पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में, तो वहां पे पूरा मिक्स करके दिया है कि अफ्रीका में पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, और जब अफ्रीका में भी अलग अलग तरह से जर्मनी, ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग रूल कर रहे होते हैं, तो वहां की जो कम्युनिटीज हैं वो किस तरह से अफेक्ट होती है. ठीक है, वो आप वहां पे एक तरह से प्रिसाइज फॉर्म में पूरा एक साथ पढ़ लेते हो. और यहाँ पे आपको क्या है, इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया की पेस्टोरल कम्युनिटीज एक टॉपिक में दिए, और इस दूसरे टॉपिक में आपको बता रहे हैं कि इंडिया की पेस्टोरल कम्युनिटी जो है, यहाँ की जो पेस्टोरल लाइफ थी वो कॉलोनियल रूल में किस तरह से अफेक्ट होती है. समझ में आया ना? तो वो कॉलोनियल रूल में क्या प्रभाव आया वो देखो यहाँ पे. तो अंडर कॉलोनियल रूल लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली, और यही आपके टीचर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, कि हाउ दी लाइफ्स ऑफ कह सकते हैं पेस्टोरल कम्युनिटीज, हाउ दी लाइफ्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली अंडर द कॉलोनियल रूल. एक्सप्लेन व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट सो दैट द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट वॉज चेंज्ड. क्लियर हुआ क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कि ऐसा क्या हुआ कि इनका जीवन बदल गया. कॉलोनियल रूल जो आया, ब्रिटिश रूल जैसे आया, तो उन्होंने क्या सिंह मार दिए थे क्या इन लोगों के पेट में. ठीक है, तो वो एक पॉइंट है कि ऐसा क्या बदलाव आया, हाउ. ठीक है, क्वेश्चन ये है. तो आप जैसे क्या देखेंगे कि जो पेस्टोरल कम्युनिटीज थी, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, तो उनके ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक होते चले गए. ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक कैसे होगा, जगह छोटी थोड़ी ना होती है, हमारे कपड़े छोटे होते हैं, जगह कैसे छोटे हो जाती है. यहाँ श्रैंक होने का मतलब यह कि ग्रेजिंग ग्राउंड जो खत्म होते चले गए. ठीक है, देयर मूवमेंट वॉज रेगुलेटेड, उन्हें फ्रीली मूव नहीं करने दिया जा रहा था, उनको रेवेन्यू जो पे करना पड़ता था वो इंक्रीज कर दिया गया. एग्रीकल्चरल स्टॉक जो है उनका वो डिक्लाइन होने लगा, मतलब पहले जितनी भीड़ बकरियां रहती थी वो कम होने लगी उनकी. ठीक है, एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वर एडवर्सली अफेक्टेड. तो वो जैसे हमने देखा बंजारास वगैरह होते थे, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड करते हो जा रहे हैं. दे आर कंटिन्यूसली ऑन अ मूव, वो घूम तो रहे हैं, लेकिन घूमते घूमते क्या है, सामान भी बेच रहे हैं, 10 का 2 10 का 2. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वो सामान भी बेच रहे हैं ना घूमते घूमते, तो उनका ट्रेड और क्राफ्ट, अब जब उनकी मूवमेंट को ही आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो उनका ट्रेड और उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है ये भी इफेक्ट होगा ही होगा, स्वाभाविक है. समझ में आया ना? तो ये कहानी है, ये कहानी है. अब पॉइंट ये आ रहा है कि हाँ, पेस्टोरल लाइफ जो है वो इफेक्ट हुई है. कैसे इफेक्ट हुई, कि ये सारे प्रभाव पड़े. अब ये सारे प्रभाव क्यों पड़े, व्हाई, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई, फाइन, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ. तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कहानी समझ में आ गई है. क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक, कि कॉलोनियल रूल में पेस्टोरल कम्युनिटी जो है उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, उनका ग्रेजिंग लैंड जो है वो श्रैंक हो गया, उनकी मूवमेंट को रेगुलेट किया गया, उनके जो कैटल्स थे, उनका जो वो ट्रेड करते थे, उन सारी चीजों पर प्रभाव पड़ा. कैसे प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ बदलाव लाए गए. ठीक है, तो पॉइंट वही आएगा कि देयर वर सम ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट व्हिच अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटी. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कुछ बदलाव लाई, और उन बदलाव ने क्या किया,
पेस्टोरल कम्युनिटीज जो हैं, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो हैं, उनके जीवन को बदल के रख दिया। तो व्हाट वर दोस चेंजेस, हियर इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांच नंबर में इस तरह से देखो, शब्द बदलेंगे, सवाल बहुरूपिया होता है, सवाल बहुरूपिया होता है, क्वेश्चन के शब्द बदल जाएंगे लेकिन एसेंस जो रहना है वो इंटैक्ट रहना है। मतलब कि एसेंस वही रहेगा कि क्या ऐसे बदलाव थे, क्यों उनका जीवन बदला, क्या किया ब्रिटिशर्स ने, तो ये सारी चीजें करी है। तो एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा, चार ब्रॉड पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझना। पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये सारा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ बदल गई, क्यों, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किए, सर्टेन चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। एंड व्हाट वर दोस सर्टेन चेंजेस, तो ये सारे चेंजेस हैं। पहला चेंज क्या है, द कॉलोनियल स्टेट वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इंटू कल्टिवेटेड फार्म्स। देखो जब ब्रिटिशर्स रूल करने आए ना, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो क्या है, मौत चल रही है, कैसे कि जंगलों में बहुत सारी ट्रेड, मतलब इस तरह से जो पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज है घूम रही है, अपने कैटल्स को ग्रेस करवा रही है, सारा सब कुछ, कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है और रिसोर्सेज इतने सारे इंडिया में, उन्होंने तो इतनी जमीन नहीं देखी थी। जब इंडिया में आए होंगे ब्रिटिशर्स तो उन्होंने देखा होगा हम तो इतनी सी जगह से निकल के आए, यहाँ तो विशाल कह सकते हैं भूमि है, इनके पास नदियां हैं, फर्टाइल सॉइल है। तो ब्रिटिशर्स को लालच आ गया, क्या लालच आ गया कि जो कॉलोनियल स्टेट था ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ये चाहते थे कि जितना भी ग्रेजिंग लैंड है ना, जब खुली जगहों में बस जानवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, भैंस ऐसे चारा चबाती है, फिर इनकी तरफ देखती है, बोलती देखो खुली जगह है हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड्स थे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ये चाहती थी इनको एग्रीकल्चरल ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ट्रैक में क्यों कन्वर्ट करना है, खेती करेंगे क्या ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन छोड़ के यहाँ के, नहीं, उन्होंने देखा कि यहाँ लोग खेती करेंगे और जो लोग खेती करेंगे हम उनके ऊपर लगाएंगे टैक्स, ठीक है, लोगों के ऊपर लगाएंगे टैक्स और हमें मिलेगा पैसा। तो बाबू भैया पैसे ही पैसा होगा, उस टाइप से सोचने लगे। कौन उस टाइप से सोचने लगे, ब्रिटिशर्स। तो लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स, ठीक है, लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, देयरफॉर एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन वुड इंक्रीज देयर रेवेन्यू। तो उन्होंने सिंपल सा गणित लगाया कि ये जो ओपन ग्रेजिंग लैंड है, इस ओपन ग्रेजिंग लैंड को क्या किया जाए, क्लोज किया जाए, वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड्स में कल्टीवेटेड फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए उन्हें, जिससे हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ले पाएंगे, ठीक है। ये तो एक चीज हुई। एंड पैरेलल टू दैट, उसी के पैरेलल जैसे अगर आप देखोगे, पैरेलल टू दैट इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, वीट एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जब यहाँ खेती होगी तो खेती में वो क्या करेंगे, कॉटन ही प्रोड्यूस करेंगे, जूट ही प्रोड्यूस करेंगे, वीट ही प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे सामान की तो पूरे यूरोप में बहुत डिमांड है, तो हम ले जाके यूरोप में बेचेंगे। मतलब क्या हो गया, एक तीर से दो निशाने लगा दिए उन्होंने, ठीक है। देवर लाइक दिस इज बिजनेस, क्या कि हम रेवेन्यू भी कमा लेंगे और यहां से जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उन्हें ले जाके बेच भी देंगे। तो ये गणित लगाया उन्होंने, ये गणित लगाया और इसके चलते क्या है, इसके चलते जैसे अगर आप देखोगे तो उन्होंने यही कि ओपन लैंड जो थी उसको फुल ऑफ विल्डरनेस अनप्रोडक्टिव कंसिडर करते थे। कौन, ब्रिटिशर्स। उन्होंने बोला कि खुली जमीन तो अनप्रोडक्टिव है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत प्रोडक्टिव थी, क्यों, क्योंकि इतने सारे कैटल्स उस पर फीड कर रहे थे उस जमीन पे। लेकिन उन्होंने सारी जमीन को कल्टीवेटेड फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वर इनएक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अनकल्टीवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर एंड गिवन टू द सेलेक्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो एक वेस्ट लैंड रूल्स क्रिएट करें, तो जो खाली पड़ी जमीन थी, कहने को खाली पड़ी जमीन थी लेकिन उस पर कैटल्स ग्रेस करते थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं वेस्ट लैंड रूल, ये पूरी वेस्ट लैंड है, तो इसको क्या किया जाए, वेस्ट लैंड रूल के अकॉर्डिंग ये पूरी जमीन को नापा तोला जाए और लोगों को दे दिया जाए। बहुत अच्छे लोग थे, नहीं, लोगों को क्यों दे रहे, अगेन लोगों को देंगे, किसी को हेडमैन को क्या बना देंगे, मतलब उस पूरी जमीन का किसी को एक मुखिया बना देंगे, वो बोल देंगे तुम करो खेती, करवाओ खेती, हमें टैक्स दो, हमें तो रेवेन्यू मिल रहा है, दिस इज बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होने लगा, तो इन मोस्ट एरियाज द लैंड टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्स। तो ये जो वेस्टलैंड रूल्स के अंडर में जितनी भी जमीन उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ली और लोगों को दी ना, वो सारी की सारी ग्रेजिंग ट्रैक्स थे, ठीक है, जहां पे पहले एक समय पे पेस्टोरलिस्ट ये नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटी की जो कैटल्स हैं वो ग्रेज करती थी, ठीक है। तो ये ग्रेजिंग ट्रैक कब्जे में ले ली, देवर यूज बाय पेस्टोरलिस्ट, सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन इनएविटेबली मेंट द डिक्लाइन ऑफ पैश्योर एंड प्रॉब्लम ऑफ पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो ये डिक्लाइन हुआ किस चीज में, पैश्योर लैंड का, पैश्योर ट्रैक का, तो उससे कहीं ना कहीं जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी वो कहीं ना कहीं क्या करी, बहुत ज्यादा सफर करी। तो दिस वॉज द फर्स्ट चेंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाउ द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज वर अफेक्टेड विद द कॉलोनियल रूल, तो कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में सर्टन चेंजेस वर इंट्रोड्यूस which affected the lives of pastoralist communities and what were those certain changes? तो पहला चेंज यही था कि उन्होंने सबसे पहले तो क्या कर दिया, ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेटेड फार्म्स में, जिसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है,
समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा और क्या ऐसे बदलाव लाए, तो बाय द मिड 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वर आल्सो बीइंग इनएक्टेड इन द डिफरेंट प्रोविंसेस। अलग अलग प्रोविंसेस में क्या कर दिए गए, फॉरेस्ट एक्ट्स ले आए। अगेन कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा करण अर्जुन जैसी याद आ रही है क्या आपको? क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान करोगे तो जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है फॉरेस्ट सोसाइटी वाला, ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी वाला जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ के आए हिस्ट्री में, तो आप, आपको ध्यान होगा तो फॉरेस्ट एक्ट आया था, जिसके चलते क्या है, जिसके चलते रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट करके फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर दिया गया था। अभी जो पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज होती थी ना, इन्हें किसी एक्ट से कोई डर थोड़ी लगता था, मतलब इन्हें किसी एक्ट का कोई सुन समझ नहीं था। यह तो ऐसा है कि हमारे जंगल, हमारे जानवर, हमारा घास, हमारा पेड़, हम खिलाएंगे पिलाएंगे इनको। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने तो चीजों को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था ना, तो दूसरा चेंज उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि मिड 19th सेंचुरी आते आते, टू बी मोर प्रिसाइज, किस ईयर में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, दिस इज योर होमवर्क, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बाय द मिड 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वर आल्सो बीइंग इनएक्टेड, अलग अलग अमेंडमेंट भी लाए थे, ध्यान है। तो आप मुझे बताना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट किस ईयर में आया था। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में, और उसके चलते क्या हो गया, उसके चलते फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस्ड कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक दियोदार और साल वर डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड, ठीक है। तो जो कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर प्रोड्यूस करते थे जिन जंगलों से, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया मतलब क्या है, कि नो पेस्टोरलिस्ट वॉज अलाउड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट। तो अब जब रिजर्व फॉरेस्ट है तो वो तो रिजर्व हो गया, बंद हो गया, अब आप जा नहीं सकते हो। तो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज जो है वो अपनी मतलब कैटल्स को देख के बोलती है कि हमें कहीं और रेन बसेरा देखना पड़ेगा, यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ठीक है, उस तरह की समस्या। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, ठीक है, और दूसरे फॉरेस्ट जो थे तो उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में क्लासिफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते थे, तो इन दीज सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वर सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो कुछ और छोटे मोटे कस्टमरी राइट दे दिए गए थे कि हाँ चलो तुम लाखों सालों से ऐसा करते आ रहे हो तो अभी भी कर लेना, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वे में, समझ में आया। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, फाइन। तो दीज फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट, और ये जो इस तरह के फॉरेस्ट एक्ट्स आए जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिए ना, तो इन फॉरेस्ट एक्ट्स ने पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज का जीवन बदल दिया पूरी तरह से। अगेन बड़ा क्वेश्चन तो आपको ध्यान है, डरे तो नहीं, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन तो आपको ध्यान रहेगा। क्या बड़ा क्वेश्चन, कि व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है, व्हिच अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ क्या कहेंगे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज। तो उसमें एक पॉइंट हमने ये पढ़ लिया कि हाँ उन्होंने क्या कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना चालू कर दिया ग्रेजिंग लैंड को। दूसरा ये कि उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट ले आए, लेकिन उसके अंदर भी छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे, कि हाउ डिड द फॉरेस्ट एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट और चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक्ट लाए ब्रिटिशर्स ने, तो उससे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। अब देखो यहां आप खुद दिमाग लगाओ, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हमें तो कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर चाहिए, रिजर्व फॉरेस्ट में मिल जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में मिल जाएगा। लेकिन जब पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को इन फॉरेस्ट एरियाज में घुसने दिया जाता था ना, तो अब उनकी भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है, बैल है, तो वो ये थोड़ी देखते थे कि छोटा पौधा है या बड़ा पौधा है, उनके सामने तो जो आता जाता है उसको खाते जाते थे वो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि छोटे छोटे सैपलिंग्स को ये जानवर क्या कर देते हैं, खराब कर देते, इस कारण बड़े जंगल नहीं बन पाएंगे कभी भी। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, एंट्री को रोक दिया, ठीक है, एंट्री को रोक दिया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखो इसका प्रभाव ये पड़ेगा, तो सवाल मैं वही बता रहा हूं, देखो ये जो नोट्स होते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिटी सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और नोट्स एस सच आपको एनसीईआरटी पूरी समझाता हूं मैं, ठीक है। नोट्स में भी एनसीईआरटी होती है, कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, कुछ एनसीईआरटी होती है। एडवांटेज लेकिन क्या होता है ना, इस पे क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के बाद में आंसर क्या जा सकता है वो बना के दे देता हूं, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल वाइल यू आर रिवाइजिंग दी थिंग्स, ठीक है। तो उस तरह से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ में आया। तो अब क्या देखो, पेस्टोरलिस्ट वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मेनी फॉरेस्ट एंड देयर मूवमेंट वर रेगुलेटेड। तो जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, तो पेस्टोरलिस्ट वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मेनी फॉरेस्ट एंड देयर मूवमेंट वॉज रेगुलेटेड। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट आ गया, आप रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इन रिस्ट्रिक्शन के साथ जाओगे आप, समझ में आया, ये चीज हो गई एक। दूसरा क्या है, दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। अब अगर इन्हें जाना है पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को, तो उनको परमिट लेकर जाना पड़ेगा। अब उस परमिट में क्या होता था, तो एक परमिट जो होगा, तो परमिट एक तरह की परमिशन वाली चीज है, तो उसमें टाइमिंग लिख दी जाती है कि कब जाओगे, कब तक वापस आना है तुम्हें जंगल के अंदर से, कितने दिन तक तुम अंदर रह सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है। और अभी जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है ना,
ये जानवरों के साथ जा रहे हैं, जानवरों को ये परमिट, जानवरों को ये टाइमलाइन, जानवरों को ये कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये समझ नहीं आता था। वो तो जानवर है ना, वो तो भेड़ बकरी मतलब गधा भैंस बैल ये है, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो बड़ा रिस्की सा हो जाता था, या फिर कह सकते ना बड़ा अनइवन सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाती थी कि जहां पे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज बड़ी डायलेमा में रहती थी कि कैसे जीवन यापन होगा इन सारे जानवरों का भी और मेरा भी। ठीक है, तो द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड्स इन विच दे कुड बी लीगली विद इन द फॉरेस्ट, इफ दे ओवरस्टेड दे वर लायबल टू फाइंस। ठीक है, तो परमिट के हिसाब से क्या है उनको ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि तुम्हें इतने दिन ही रहना है, अगर ओवरस्टे करोगे तो फाइन लगेगी। तो इस तरह से क्या देखने को मिल रहा है कि जो फॉरेस्ट एक्ट्स थे, तो दीस फॉरेस्ट एक्ट्स हैव चेंज द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज। समझ में आया? तो उस तरह से एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द कॉलोनियल टाइम पीरियड। तो पहली चीज तो आपने देख ली कि उन्होंने क्या कर दिया। पहली चीज हमने जो अभी देखी कि उन्होंने ग्रेजिंग लैंड से एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट करना शुरू कर दी। दूसरी चीज उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट्स ले आए और उनका प्रभाव क्या था ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज क्या है देखो, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल, देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस्ड क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। पराकाष्ठा मतलब इन द सेंस कि देखो किस सोच मतलब कहां तक सोच पा रहे थे ब्रिटिशर्स और किस तरह से वो जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी उन्हें अफेक्ट कर रहे थे। क्या हुआ यहां पे, क्योंकि पैस्टोरल कम्युनिटी है ना, तो वो एक जगह सेटल्ड नहीं रहती, वो तो नोमैड्स हैं, कभी यहां इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा किधर चला, उस टाइप से घूमते रहते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि जब वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो दे कैन नॉट बी टैक्स्ड इजीली। अब आप टैक्स कैसे लगाओगे, आज यहां है कल वहां है। और यही चीज हमने कहां देखी थी, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के केस में भी देखी थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ब्रिटिशर्स को क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स 2 साल यहां खेती करेंगे, 3रे साल छू मंतर। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि यार ये तो टैक्स ही नहीं देते हैं, इनको पकड़े कैसे अपन, तो इसके लिए वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज करते थे, है ना। सेम चीज यहां पे भी आ रही है, क्या कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि नोमैडिक पीपल जो है दे आर नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस, उन्हें ऐसा लगता था कि शायद चोरी वोरी करते होंगे क्योंकि इधर से उधर घूम रहे हैं सारी चीजें, उनको टैक्स करना आसान नहीं था। फाइन, उनको मतलब ऐसा लगता था कि सेटल्ड कम्युनिटीज जो रहेगी वो पीसफुल रहेगी, ये तो घूम रहे हैं इनका क्या भरोसा, कभी यहां पे आग लगा दी कभी वहां मस्ती कर ली, इस टाइप से। तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर द कॉलोनियल रूल, व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस, तो एक चेंज ये लेके आए कि उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ले आए। जैसे उन्होंने रूल्स बनाना चालू किया ना, फॉरेस्ट एक्ट ले आए, वेस्टलैंड रूल्स ले आए, तो जमीन बांटना चालू कर दी, वैसे ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आए। अब ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या कहता है समझना, तो इस एक्ट को अच्छे से समझाता हूं मैं। समझ में आया ना ये क्या कहानी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्यों लाए उन्होंने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो मूवमेंट कर रहे हैं ना नोमैड्स, ये शायद चोरी करते होंगे या फिर ये लॉ एंड ऑर्डर को अबाइड नहीं करेंगे, तो ये तो क्रिमिनल्स हैं। तो इसके अंडर क्या होता है कि जो पैस्टोरलिस्ट, ठीक है, जो पैस्टोरलिस्ट देयर द पैस्टोरलिस्ट हु चेंज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस एवरी सीजन, हर सीजन के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गद्दीस की बात करें तो क्या है, विंटर्स में नीचे आ जाते हैं शिवालिक में, समर्स में ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह के जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं हु चेंज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस एवरी सीजन, तो ये लोगों को क्या कहा गया, इन्हें क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड द रूरल पीपल टू लिव इन द विलेजेस इन फिक्स्ड प्लेसेस विद फिक्स्ड राइट ऑन पर्टिकुलर फील्ड्स। अब सरकार ये चाहती थी कि लोग एक जगह स्थापित होकर बैठ के काम करें ताकि हम उनके ऊपर टैक्स लगा सके, हम उनको लॉ एंड ऑर्डर में रख सके, हम उनकी जानकारी रख सके। ठीक है, सरकार चाहती थी ऐसा, लेकिन होगा क्या, लेकिन नोमैडिक कम्युनिटीज तो एक जगह बैठेगी नहीं। ठीक है, तो सच अ पॉपुलेशन वॉज देखो, और वो सरकार ऐसा क्यों चाहती थी कि लोग एक जगह बैठ के काम करें, क्योंकि अगर लोग एक जगह बैठ के काम करेंगे तो उस पॉपुलेशन को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है। मैं एकदम इंटेंशन बताऊं अगर उनका तो, लेकिन दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज, हां एक चीज और समझ लेना, क्योंकि जो एक जगह सेटल्ड कम्युनिटी रहेगी ना वो पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग रहेगी, और जो सेटल्ड नहीं रहेंगी जैसे नोमैडिक, इन्हें क्रिमिनल कंसिडर किया जाने लगा। समझ में आया ना कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्यों आया, क्योंकि वो उनको घूमता हुआ देखना उन्हें पसंद नहीं आता था ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने सोचा कि सेटल कम्युनिटी ज्यादा बेहतर है, वो पीसेबल होती है, लॉ अबाइडिंग होती है, लेकिन जो लोग घूम रहे हैं नोमैडिक ट्राइब्स हैं, तो ये नोमैडिक ट्राइब्स क्या है, ये क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, और इसी के चलते 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या, इंडिया में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या पास कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास कर दिया। अब जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया गया, तो इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के चलते क्या होता है, बाय दिस एक्ट मेनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स एंड पैस्टोरलिस्ट वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल क्राइम्स। तो बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को, ठीक है, ट्रेडर्स को और क्राफ्टमैन को
क्रिमिनल का दर्जा दे दिया कि तुम तो क्रिमिनल हो, ठीक है। देवर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ, ऐसा कहा जाता है कि बाय नेचर क्योंकि दे आर ऑन कंटिन्यूसली मूव तो दे आर क्रिमिनल्स, बाय बर्थ दे आर क्रिमिनल्स, उनकी फैमिली में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी क्रिमिनल, सबको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के चलते कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटीज को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स दीस कम्युनिटीज वर एक्सपेक्टेड टू लिव ओनली इन अ नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स। और अब क्या है, जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आ गया तो इनको बोल दिया कि अगर तुम बाहर निकले तो तुम तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला दिया जाएगा, तुम्हें नोटिफाइड विलेज के अंदर ही रहना होगा, इस गांव को छोड़कर तुम जा नहीं सकते हो, ताकि क्या हो, ताकि वो कंट्रोल कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके, उन पे टैक्स लगा सके। कहानी पूरी ये थी, ठीक है। तो दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट, बिना परमिट के उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और ऐसे परमिट उन्हें मिलते भी नहीं थे बहुत आसानी से, ठीक है। द विलेज पुलिस केप्ट अ कंटिन्यूस वॉच ऑन देम, तो विलेज पुलिस जो होती थी तो उनके ऊपर क्या करती थी, कंटिन्यूसली नजर बनाए रखती थी कि ये कहीं गड़बड़ ना कर दे कुछ, ठीक है। विलेज पुलिस जो थी वो कंटिन्यूसली उनके ऊपर नजर बनाए रखती थी कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का क्या था, देखो मैंने क्या बताया आपको कि दीज स्लाइड्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन अ वे कि अगर ऐसा आता कि व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, छोटा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। एक बड़ा क्वेश्चन तो हमारा चल ही रहा था कि व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट व्हिच अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, लेकिन उसके अंदर से अगर क्वेश्चन निकल के आएंगे तो वो ऐसे आ गए जैसे फॉरेस्ट एक्ट से क्या प्रभाव पड़ा, फाइन, वैसे ही अगर आ गया कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से क्या प्रभाव पड़ा, समझ में आया, वो चीज रहती है, फाइन। तो तीन पॉइंट हमने देख लिए कि उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड, पैस्चर लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज लेके आ गए, ठीक है, फॉरेस्ट लॉज लेके आ गए। तीसरी चीज हमने देख लिया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आ गए, और चौथा चेंज जो वो लेके आए कौन, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स जो चौथा चेंज लेके आए वो क्या लेके आए, टू एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू इनकम द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। एक बदलाव ये भी लेके आए कि उन्हें अपनी जेबें भरना थी, कि नहीं, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को अपनी जेब भरना थी, और उस जेब को भरने के लिए वो जितना हो सकता था, जो हो सकता था, जहां से हो सकता था, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, टैक्स लगाना चालू कर दिया, ठीक है। तो द टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन लैंड, ऑन कैनल वाटर, ऑन सॉल्ट, ऑन ट्रेड गुड्स एंड इवन ऑन फॉरेस्ट एनिमल्स, ठीक है। तीन गुना लगान देना पड़ेगा इस टाइप से, क्या कि अब क्या करेंगे, उनके ऊपर जहां हो सकता है वहां टैक्स लगाना चालू कर दिया एक तरह से। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं तो इनके यहां तो क्या सोने की बारिश हो रही है, लेकिन वो अगर 4 रुपए भी कमा रहे तो 3 रुपए खींच के ले जाया जाते थे, उनकी चमड़ी में से दमड़ी निकाल ली जाती थी। इस तरह से क्रूअल एडमिनिस्ट्रेशन को फेस किया है हमारे एंसेस्टर्स ने, समझ में आया। तो क्या हो रहा है, टैक्स जो है वो लगाया गया किसके ऊपर, टैक्स लगाया गया पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज के ऊपर, पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी छोड़ो सबके ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, एग्रीकल्चरल पीजेंट्स जो है तो वो कैनल वाटर के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, हम जो खा रहे थे सॉल्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है, जो ट्रेडर्स थे हमारी सोसाइटी में उस समय वो ट्रेड करते थे उनके ऊपर टैक्स लगता था। इनफैक्ट जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज होती थी तो वो अपने जानवरों को जब ग्रेस करवाने लेते थे ना, ले जाते थे, तो बोलते तुम्हारे पास 100 जानवर है तो तुम 100 जानवर के हिसाब से टैक्स दोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इन मोस्ट पैस्टोरल ट्रैक्स ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या और बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए जिससे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज की लाइफ इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस इन द मिड 19th century। अब ग्रेजिंग टैक्स क्या है, तो ग्रेजिंग कौन करेगा, गाय करेगी, भैंस करेगी, भेड़ करेगी, बकरी करेगी, तो भेड़ बकरी को भी टैक्स देना था, जी हाँ, जितनी भेड़ बकरी आपकी क्या कर रही है, घास खा रही है, ग्रेज कर रही है, उतनी भेड़ बकरी के ऊपर टैक्स लगेगा। इस तरह का क्या है, इस तरह के ग्रेजिंग टैक्स तक इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, कैन यू इमेजिन, फाइन। तो इन दी डिकेड्स बिटवीन दी 1850s एंड 1880s दी राइट टू कलेक्ट दी टैक्स वॉज ऑक्शनड आउट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब ग्रेजिंग टैक्स में सिंपल सी चीजें गिनती की जाती थी, कितने तुम्हारे पास जानवर है, जितने जानवर है उस हिसाब से टैक्स पे करोगे तुम, ठीक है। तो बहुत सारे इसके चलते बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ने अपने जानवरों की छटनी कर दी थी, ले ऑफ कर दिया था कि बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई है कंपनी की, तुम्हें निकाल दे रहे हैं बाहर, उस टाइप से, समझ में आया। तो ग्रेजिंग टैक्स के चलते उन्हें ले ऑफ किया गया। अब क्या हो रहा है, तो इन दी डिकेड्स बिटवीन 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to contractors. पहले ऐसा था कि grazing tax introduce करा तो tax कौन collect करेगा? अब ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिशर्स दौड़ा लगाएंगे पीछे पीछे भैंस के कि टैक्स दे दो भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे contractors रखे गए बीच में, मतलब ये ब्रिटिशर्स है अगर मान लो, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोल दिया कि ये सारे लोग मान लो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं जानवरों को, तो एक आदमी बीच में कॉन्ट्रैक्टर होगा, उससे बोल दिया तुम इनसे टैक्स ले लो, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें राइट दे रहे हैं, बदले में तुम हमें 1,00,000 रुपए दे दो मान लो फॉर एग्जांपल। तो ये 1,00,000 रुपए लेके ब्रिटिशर्स तो रफा दफा हो गए। अब ये आदमी ने 1,00,000 रुपए अगर ब्रिटिशर्स को दिए तो वो इनसे 1,20,000 तो वसूले गई, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स फिर क्या करते थे,
पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटी से टैक्स वसूलते थे, समझ में आया? तो दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज हाई अ टैक्स एज दे कुड टू रिकवर द मनी दे हैड पेड टू द स्टेट एंड अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड विद इन अ ईयर। तो इन्हें तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना था, तो वो इनकी चमड़ी की दमड़ी निकालते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पे किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, समझ में आया? फिर क्या होता है, इसके चलते बहुत ज्यादा पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटीज ने सफर किया, शायद ब्रिटिशर्स को कुछ समझ आया होगा। तो बाय 1880s द गवर्नमेंट बिगेन कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पेस्ट्रोलिस्ट। तो गवर्नमेंट ने खुद क्या करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने खुद डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया पेस्ट्रोलिस्ट से। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स का सिस्टम हटा दिया 1880s के बाद में, तो सरकार खुद कलेक्ट करती थी। अब बोलोगे आप, क्या खुद गवर्नर जनरल पीछे पीछे जाते थे क्या भेड़ बकरी के? नहीं, मतलब ऑफिशियल्स ही जो थे तो ऑफिशियल्स ही कलेक्ट करते थे, ठीक है, ऑफिशियल्स ही कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जब गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट ने हर चीज को रेगुलेट कर दिया। वही परमिट सिस्टम चलता था, कितने दिन आप ग्रेस करवा सकते हो, कितने जानवर पे कितना टैक्स, हर चीज रेगुलेटेड थी। तो these were the changes which were introduced. Let's recall, एक बार फिर से recall करेंगे क्या? तो हमने देखा क्या क्या बदलाव लाए, देखो क्या क्या बदलाव लाए। तो सबसे पहला बदलाव तो लाया कि उन्होंने grazing land को agricultural land में convert करना चालू कर दिया, wasteland rules वगैरह लेके आए। दूसरा change जो लेके आए तो forest laws pass कर दिए गए, ठीक है, forest acts जो लाए, तो forest acts के चलते reserve forest, protected forest, ठीक है, उनके movement को restrict किया जाने लगा, ये सारा सब कुछ। तीसरा चेंज जो लेके आए तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आ गए, ठीक है। और चौथा चेंज जो लेके आए तो इस तरह से उन्होंने दे ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट टैक्स फ्रॉम एवरी पॉसिबल सोर्स, ठीक है, हर जगह से टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है, जैसे ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अब इनका परिणाम क्या निकला होगा, इनका परिणाम सिंपल सा ये निकला होगा कि ऑल दीज चेंजेस अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पेस्ट्रोलिस्ट सीवियरली। तो जितनी भी पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटीज थी their lives were severely affected, ठीक है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा उनके जीवन यापन में, बड़ी दिक्कतें जाती थी, उनका जीना मुश्किल हो गया था। तो कहानी समझ में ना, सीधा क्वेश्चन बनेगा, एक कदम और आगे बढ़े, तो how did the changes affect the lives of pastoralists? तो अब देखो वही कि क्या बदलाव लाए थे, उसका प्रभाव क्या पड़ा होगा, तो जीवन यापन में बड़ी दिक्कत गई होगी। कैसे? तो जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए, these changes led to a serious shortage of pasture, ठीक है, तो उनका जीवन पे प्रभाव पड़ ही रहा था। उसी के साथ साथ क्या हुआ, एक बड़े लेवल पे जो पैश्योर लैंड था ना, जो ग्रेजिंग करवाने के लिए जगह होती थी, वो जगह की कमी हो गई, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए पैश्योर लैंड की कमी हो गई। कैसे, अब मैं समझाता हूं। तो व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड्स, जैसे पहला बदलाव क्या लाया था उन्होंने कि एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो आपने एग्रीकल्चरल लैंड बनाई है तो ऐसा थोड़ा ना कि मंत्र पढ़ा तो जमीन बढ़ गई है, वही जमीन जिसपे पहले जानवर ग्रेज करते थे उस जमीन को अब आपने क्या कर दिया, उस जमीन को अब आपने कन्वर्ट कर दिया है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या हो रहा है कि फसल तो पैदा हो जाएगी लेकिन जानवरों के खाने के लिए घास कहां से आएगा, समझ में आया? तो द अवेलेबल एरिया ऑफ पैश्योर लैंड डिक्लाइन, तो इसके चलते जो अवेलेबल एरिया ऑफ पैश्योर लैंड होता था वो डिक्लाइन हुआ। फाइन, किस तरह से सीरियस शॉर्टेज हो रही है पैश्योर की, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है क्या कि हाउ डिड द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, जो हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है, तो वो चेंजेस ने कैसे अफेक्ट किया लाइफ्स को पेस्ट्रोलिस्ट की, विद रेफरेंस टू द डिक्लाइन या फिर शॉर्टेज ऑफ पैश्योर, बताओ। तो पैश्योर लैंड की कमी हो गई, क्यों? क्योंकि कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा क्या है, सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मेंट दैट शेफर्ड्स एंड कैटल हर्डर्स कुड नो लॉन्गर फ्रीली पैश्योर देयर कैटल इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये पॉइंट भी समझो। क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, जब रिजर्वेशन कर दिया फॉरेस्ट का, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब क्या आ गया कि जो शेफर्ड्स वगैरह जो चरवाहे हैं, वो शेफर्ड्स हैं, हर्डर्स हैं, वो उतनी आसानी से या फिर फ्रीली अपने जानवरों को लेकर अब जा नहीं सकते जंगलों में, ठीक है, वो अपने जानवरों को लेकर अब जंगलों में नहीं जा सकते। अब जब जंगलों में नहीं जा सकते तो फिर दिखती बात है, अपने घर में बिठा के दाल रोटी तो खिलाएंगे नहीं, ठीक है, पैश्योर की कमी हो रही थी उनके पास, क्यों? क्योंकि अब जंगलों में जा नहीं सकते थे तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज फील करेंगे ही करेंगे। तो पैश्योर लैंड डिक्लाइन हो गई है, उनका मूवमेंट डिक्लाइन हो गया है, उनके कैटल्स को कहां से खिलाएंगे, ये एक बड़ा समस्या बन गया था। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा, तो देखो, एज दी पैश्योर लैंड डिक्लाइंड या फिर दी अवेलेबिलिटी ऑफ पैश्योर डिक्लाइंड, दी एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक्स हैड टू फीड ऑन वॉट एवर ग्रेजिंग लैंड रिमेन्ड। मतलब कहानी समझना कि अब आपके पास बहुत ज्यादा पैश्योर लैंड है नहीं, अब आपके पास में इनफ फॉरेज जो होता है, इनफ कह सकते हो घास फूस जो है ना, वो नहीं है, तो अब क्या होगा कि जितना है उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि भूखा रहना पड़ेगा, किसको भूखा रहना पड़ेगा,
तो मतलब ये मान लो कैटल्स है, तो पेस्टोरलिस्ट टू देयर गैडल्स क्या कहेंगे कि भाई साहब मतलब अब इतना ही है खाने के लिए तो इतने में ही काम चलाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो गई थी। ठीक है, मतलब अब वही वाली बात है ना कि इंसान हो तो समझा सकते हो आप, जानवर को क्या समझाओगे, उसे तो भूख लगेगी तो खाएगा ना वो। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अच्छे से समझना कि हाउ दीज चेंजेस अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट, तो कैसे अफेक्ट करी, तो दिस लेड टू द कंटिन्यूस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पेस्टोर। तो अब जितनी जमीन बची हुई थी, ठीक है, जो भी ग्रेजिंग लैंड बचा था उस पर ही जीवन यापन करना है, तो बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होने लगी। इंपैक्ट क्या होगा ओवर ग्रेजिंग का, कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, जो क्वालिटी ऑफ पेस्टोर है वो डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, दिस पेस्टोरल मूवमेंट अलाउड टाइम फॉर द नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ। पहले क्या होता था कि पहले पेस्टोरल मूवमेंट चलता रहता था, नोमैडिक थे ना, तो समर्स में मतलब ऊपर, विंटर्स में नीचे, इस तरह से अभी भी समर्स में और विंटर्स में ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स में, कि अब ज्यादा जगह नहीं रहती थी तो उसके चलते क्या है, ठीक है, पहले रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी तो क्या होता था कि जब तक वो ऊपर गए नीचे वाली सॉइल जो है, नीचे वाला जो पेस्टोर लैंड है वो रिजेनरेट हो जाता था, लेकिन अब क्या है, अब रिजेनरेट होने के लिए टाइम पीरियड कम मिल रहा है। ठीक है, तो व्हेन रिस्ट्रिक्शंस वर इंपोज्ड ऑन पेस्टोरल मूवमेंट्स grazing land came to be continuously used and the quality of pasture declined. Quality of pasture decline होने लगा, grazing land continuously under use रहती थी. This in turn created further shortage of forage. ठीक है, खाने के लिए चारे की कमी होने लगी, चारे की कमी होने लगी, तो अब क्या होने लगा कि जो animal stocks था अब हष्ट पुष्ट जानवर नहीं रह जाएंगे ना, just give me a minute. अब क्या है कि जानवर जो है हष्ट पुष्ट नहीं रह जाएंगे, जानवर क्या हो गए, कमजोर हो जाएंगे। अब जानवर जब कमजोर हो जाएंगे तो जो अंडरफेड कैटल्स रहेंगी ना, तो इनकी डेथ होने लगेगी। अंडरफेड कैटल्स डाइड इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग स्कार्सिटी एंड फेमाइंस। ठीक है, तो फेमाइंस जब हो रही है, स्कार्सिटीज जब आ रही है, मान लो कि अगर खाने की कमी रह गई, तो जिस साल खाने की कमी रह गई उस साल बहुत सारे कैटल्स तो ऐसे ही मर जाते थे। क्यों? क्योंकि वैसे ही क्या है, वो बहुत ज्यादा खाए पिए हष्ट पुष्ट नहीं थे ना, तो ये समस्याएं आने लगी। फाइन, ये समस्याएं आने लगी, क्लियर हुआ? तो what was the इंपैक्ट ऑफ द डिक्लाइनिंग पेस्टर, तो डिक्लाइनिंग पेस्टर का इंपैक्ट ये रहा कि कैटल्स की डेथ होने लगी, अंडरफेड कैटल्स रहने लगी, पेस्टर की अवेलेबिलिटी, फॉरेज की अवेलेबिलिटी जब कम रहती थी, तो एक तरह बोलते ना जैसे बच्चे माल नरिश हो जाते, अच्छा खाते पीते नहीं है, तो वैसे जानवर भी, कैटल्स भी जो थी तो वो भी क्या रहती थी, एक तरह से माल नरिश रहती थी। समझ में आया? तो अब ये परेशानी है, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैंने आपको हमेशा समझाया है क्या कि समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना। ठीक है, तो समस्याएं तो है, बदलाव लाए बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, उन बदलाव का प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है वो आपने देखा, लेकिन इन सारी समस्याओं से ऊपर जाकर समाधान कैसे निकाला होगा, तो दिस इज द लास्ट पार्ट। क्या कि हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप अप विद दीज चेंजेस, ये जो बदलाव आए तो इन बदलाव से पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ने कैसे कोप अप किया। ठीक है, हाउ डिड दे कोप अप, how did the pastoralist communities cope up with these changes, उन्होंने इन समस्याओं से cope up कैसे किया, this is the point. समझ में आया? उन्होंने इन समस्याओं से cope up कैसे किया, तो changes introduced by the colonial government, तो जो colonial government थी उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, उन बदलाव का दुष्प्रभाव पड़ा वो तो बता दिया, लेकिन जो pastoralist communities थी हमारी, तो how did they reacted, उन्होंने react किस तरह से किया, उनका क्या reaction रहा। ठीक है, तो उनका क्या reaction रहा होगा, समझने वाली चीजें देखो, तो Some reduced the number of cattle. मतलब यही है कि समस्या थी, उन समस्या में समाधान कैसे ढूंढे गए हमारे pastoralist communities के द्वारा। तो some reduced the number of cattle in their herds since there was not enough pasture to feed large number. वही वाली बात है, इन्होंने lay off कर दिया, इन्होंने देखा कि इतने ज्यादा जानवर रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने सारे जानवरों को हम पाल ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जानवरों के नंबर ही कम कर दिए, बेच दिए, या फिर मर गए बहुत सारे जानवर। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि some reduced the कह सकते हैं सब रिड्यूस दी नंबर ऑफ, क्या कहेंगे, सब रिड्यूस दी नंबर ऑफ एनिमल्स विच दे हैड। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है, अदर डिस्कवर्ड न्यू पेस्टर्स व्हेन मूवमेंट ऑफ ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकेम डिफिकल्ट। तो जैसे दिखती बात है कि आपको क्या है, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है, देखो हर ह्यूमन माइंड जो एक तरह से ही सोचता है कि आप स्कूल जाते थे, आपका घर था, ठीक है, इस घर से आप यहां तक स्कूल जाते थे, रास्ता ये था, अब इस रास्ते में यहाँ पे रोडों का काम चल रहा होगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो आप क्या करोगे, दूसरा रास्ते से चले आओगे, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि छुट्टी मनाने लगोगे घर बैठे, नहीं तो मम्मी पापा फिर, तो अब क्या हो रहा है, रास्ता बदल दिया। तो वही यहाँ पे इन्होंने भी क्या होगा कि समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि उनके ग्रेजिंग ग्राउंड तक वो जा नहीं पा रहे थे, डिफिकल्टीज थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, तो कुछ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ने तो अपने कैटल्स की ही जनसंख्या कम कर ली, और कुछ
कम्युनिटीज जो थी, ठीक है, कुछ कम्युनिटीज मतलब कुछ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज जो थी, तो दे डिस्कवर्ड न्यू पेस्चर व्हेन मूवमेंट ऑफ ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड बिकेम डिफिकल्ट। ठीक है, तो जो ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड पे जाना जब मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने बोल दिया कि हम क्या करते हैं, हम दूसरी नई पेस्चर लैंड ही ढूंढ लेंगे। तो उन्होंने दूसरी जगह व्यवस्था कर ली अपनी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बताया गया कि आफ्टर 1947 कैमल एंड शीप्स हर्डिंग रायकास, रायकास कहां से है, इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू गिव द आंसर। तो रायका जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, तो उन्होंने क्या देखा कि 1947 में देश आजाद हो गया, देश आजाद भी हो गया और विभाजित भी हो गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया। तो ये तो नोमैडिक कम्युनिटी तो ऐसा है कि घूमते घूमते क्या है, इंडिया और पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं उस समय पे, तो घूमते घूमते उधर तक निकल जाती थी जिधर आज पाकिस्तान है। ठीक है, लेकिन अब वो जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, तो ये वही बता रहे हैं। तो दी कैमल और शिप हर्डिंग रायकास जो है, तो दे कुड नो लॉन्गर मूव इन टू दी सिंध एंड ग्रेज देयर कैमल्स ऑन द बैंक ऑफ इंडस एज दे हैड डन अर्लियर। तो सालों से ये लोग क्या करते आ रहे थे, जैसे अगर हम देखें तो अब ये तो आप कमेंट में क्या बताओगे, मैंने बता दिया। तो जैसे राजस्थान से रायकास जो है, तो इधर सिंध प्रोविंस जो है, ठीक है, पंजाब सिंध प्रोविंस जो है, इंडस रिवर के आसपास अपने कैटल्स को ग्रेस करवाते थे। ठीक है, तो कब ग्रेस करवाते थे, जैसे विंटर्स या फिर कह सकते हैं दूसरे टाइम पीरियड में, समर्स वगैरह के टाइम पीरियड में। लेकिन अब क्या होगा कि अब तो बॉर्डर डिवाइड हो गई, तो अब थोड़ी ना जा सकते, उधर तो पाकिस्तानी आर्मी खड़ी है। तो इसके चलते क्या है, इसके चलते उन्होंने क्या किया, जो दूसरा तरीका मैंने बताया ना कि हाउ डिड दे सर्वाइव, क्या हाउ डिड द पैस्टोरलिस्ट कोप अप विद दीस चेंजेस, तो दूसरा तरीका यह था कि उन्होंने नई पैस्चर लैंड ही ढूंढ ली। तो यहां पे भी वही हो रहा है कि जो रायकास थे, रायकास ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जब उनकी सिंध वाली प्रोविंस में पाकिस्तान में जाने का रास्ता बंद हो गया, तो the new political boundaries between India and Pakistan stopped their movement. ठीक है, so in recent years they have been migrating to Haryana where ships can graze on agricultural fields after the harvest are cut. ठीक है, तो अब वो हरियाणा पंजाब उस क्षेत्र में जाने लगे रायकास। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां फसल कट जाती थी, तो जो स्टबल वगैरह बचते हैं उन्हें खा लेते इनके जानवर, और अगली फसल के लिए उन लोगों के खेत को भी मैन्योरिंग कर देते थे। तो विन विन रिलेशन है, जैसे धंगर्स के केस में हमने देखा था वो कोंकण पे जाते हैं, है ना, तो ये केस रहता है। ठीक है, तो क्या किया गया, हाउ डिड दी पेस्टोरलिस्ट कोप अप विद दीज चेंजेस, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो थी, तो इन चेंजेस से कैसे कोप अप करी। तो पहला चेंज तो आपने देख लिया, क्या है, उन्होंने नंबर ऑफ कह सकते हैं कैटल्स ही कम कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, ग्रेजिंग ग्राउंड जो है, ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, तो न्यू ग्रेजिंग ग्राउंड ढूंढ लिए, और उसके साथ साथ और क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। तो देखो ये पांच नंबर में क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड दी पेस्टोरलिस्ट कोप अप विद दी changes introduced under the colonial period. So some richer pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life. कुछ जो rich pastoralist communities, तो उन्होंने बोला कि यार अब घूमना मुश्किल हो रहा है, restrictions बहुत है, अपन एक जगह ही बैठ जाते हैं। तो उन्होंने जमीनें खरीद ली और खेती करना चालू कर दिया। उन्होंने अपनी nomadic life को give up कर दिया कि अब हम इस तरह से घूमते नहीं रहेंगे, अब हम settled जीवन जीना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी था। Some became settled peasant cultivating land and others took more एक्सटेंसिव ट्रेडिंग। तो कुछ तो सेटल्ड पीजेंट बन गए और कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेडिंग करने लगे। तो सामान बेचने के साथ साथ उन्होंने फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा ली होगी, समझ में आया। तो और एक्सटेंसिव ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हो गए वो, ना कि नोमैडिक वे ऑफ लाइफ पे। कुछ पुअर पेस्टोरलिस्ट जो थे, तो ऑन द अदर हैंड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू सर्वाइव। अब जब दिखती बात है कि जीवन यापन तो करना पड़ेगा, इतनी रिस्ट्रिक्शन लग रही थी, तो कुछ पुअर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ने क्या किया, वो जमीन तो खरीद नहीं सकते थे, तो उन्होंने लोन ले लिया पैसा, ताकि घर में रोटी तो आए उनके, लेकिन वो लोन के चक्कर में फंस गए। ठीक है, तो एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल्स एंड शिप, तो उनके जितने भी जो कैटल्स थे, शिप थे, गोट थे, वो सब भी बिकते चले गए, और फिर उन्हें लेबरर्स की तरह काम करना पड़ा फील्ड में, स्मॉल टाउन्स में। ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपना जो कह सकते हैं ना, एक तरह से पैतृक कार्य जो था, जो उनके पूर्वज करते चले आ रहे थे, वो काम छोड़कर उन्हें अब लेबर बनना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में, कॉलोनियल टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, सफर किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम देखें कि जो पेस्टोरलिज्म था, ठीक है, कॉलोनियलिज्म था, कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, तो उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, उसका कंक्लूजन अगर निकाले हम, तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यूड टू सर्वाइव, ऐसा नहीं है कि समस्या आई तो समाप्त हो गए, समस्या समाप्त नहीं करेगी, आपको समस्या से समाधान निकालना होगा। ठीक है, तो वहां पे वही हुआ कि पेस्टोरलिस्ट जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, आज भी आपको पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज देखने को मिलेगी, वो तब सरवाइव कर गए, तो आज तो सिचुएशन फिर भी उनके फेवर में है। ठीक है, तो पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव इन मेनी रीजंस, देयर नंबर्स हैव एक्सपेंडेड ओवर रीसेंट डिकेड्स। ठीक है, उनके नंबर्स में वृद्धि भी हुई है, कुछ पेस्टोरलिस्ट की कम्युनिटीज में इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिला है। तो व्हेन पेस्चर लैंड इन वन प्लेस वॉज क्लोज टू देम, they change their direction of their movement. ठीक है, तो मतलब कैसे सर्वाइव कर गए, कैसे उनका नंबर बढ़ गया, उन्होंने अपनी दिशाएं बदली। ठीक है,
उन्होंने अपनी दशा बदली। दशा यानी क्या है कि उन्होंने देख लिया कि यार इतने बड़े बड़े साइज में हम कैटल्स को नहीं रख सकते हैं कि हजारों भेड़ बकरियां नहीं पाल सकते, तो उन्होंने बोला कि हजारों से 100 पे आ जाओ, ठीक है। तो दे रिड्यूस द साइज ऑफ देयर हर्ड, कंबाइंड पैस्टोरल एक्टिविटी विद अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम एंड अडॉप्टेड टू द चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पैस्टोरल एक्टिविटीज को कंबाइन किया ताकि वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकें और जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो बदलाव आ रहे हैं उन सारी चीजों से अपने आप को एडजस्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके, ठीक। तो इस तरह से दीज वर सम ऑफ द चेंजेस विच दे टुक ओवर देमसेल्फ, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर जाए, सर्वाइव कर जाए। इनफैक्ट आप देखोगे तो मेनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इन ड्राई रीजंस एंड इन द माउंटेन्स पैस्टोरलिज्म इज स्टिल इकोलॉजिकली द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कुछ इकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पैस्टोरलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ ही सोल्यूशन है, कहां पे, जैसे कि मान लो ड्राई रीजन है या फिर माउंटेन है ना, तो माउंटेन और ड्राई रीजन में आपको पैस्टोरलिज्म ही करना पड़ेगा, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरे 12 महीने एक जगह पर रह पाना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो वहां पे आपको नोमैडिक वे ऑफ लाइफ, पैस्टोरलिस्ट वे ऑफ लाइफ जीना ही पड़ेगा। तो पैस्टोरलिज्म इज स्टिल इकोलॉजिकली द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ, की उस इकोलॉजी के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ द नेचर एंड लिव योर लाइफ अकॉर्डिंगली। तो पैस्टोरलिज्म इज द ओनली वे, समझ में आया, नोमैडिज्म इज द ओनली वे, क्लियर हुआ। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कंक्लूजन पे एक चीज और छोड़ जाता हूं मैं आपको। आपने देखा कि भारत में किस तरह से पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं, कॉलोनियल टाइम पीरियड में उन्होंने क्या बदलाव आया, उन बदलाव का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने उन प्रभाव से कैसे निपटने की व्यवस्था करी, वो सारा सब कुछ आपने देखा। लेकिन सिर्फ इंडिया में ही पैस्टोरल कम्युनिटीज की कहानी थोड़ी ना है, पैस्टोरलिज्म तो जो है, नोमैडिज्म तो जो है, वो तो वर्ल्ड वाइड है। तो एक केस और अफ्रीका वाला देखेंगे हम, ठीक है, जो चैप्टर का आगे वाला पार्ट है। क्लियर हुआ यहां तक? तो एंड जो पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका है, अब ओके, अब हम अफ्रीका की कहानी पढ़ेंगे, एंड हियर वी गो। अब देखिए क्या है पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका क्या कहता है कि जिस तरह से इंडिया की पूरी कहानी थी उसको जोड़ते हुए उसी लाइन पे अब आपको अफ्रीका की स्थिति समझना है। तो अफ्रीका कोई कंट्री नहीं है, पहली चीज। बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा ज्योग्राफी में हार्ट टाइट है जिनका, तो वो मैप्स, कॉन्टिनेंट, कंट्री, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट है, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका भी है, दिस टाइम फॉर अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट को जैसे देखोगे तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत सारे अलग अलग क्या रह रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग पैस्टोरलिस्ट ग्रुप्स रहते हैं। इस कॉन्टिनेंट के अंदर मल्टीपल कंट्रीज हैं, जैसे साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, कीनिया एक कंट्री है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं। अब उन देशों की बाउंड्री को 2 मिनट के लिए हटाते हुए अगर जैसे देखें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज रहती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अफ्रीका, ओवर हाफ द वर्ल्ड्स पैस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स इन अफ्रीका। वर्ल्ड में जितने भी पैस्टोरल ग्रुप्स रह रहे हैं ना पूरी दुनिया में, उसमें से आधे पैस्टोरल ग्रुप्स जो हैं वो अफ्रीका में रहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ पैस्टोरल्स एंड नोमैडिक कम्युनिटीज। वी कैन से अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका पे जीवन ही वैसा है, क्योंकि हमने इंडिया वाले केस में भी पढ़ा था, अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो, क्या कि इकोलॉजिस्ट लोग ये सजेस्ट करते हैं कि पैस्टोरलिज्म, नोमैडिज्म इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ which suits ecologically and geologically in these type of regions, जहाँ पे dry region है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह होती है, तो ठीक है। तो even today over 22 million Africans depend on some form of pastoral activity for their livelihood. आज भी 22 million मतलब क्या, 2,20,00,000 Africans ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए किसी ना किसी तरीके से pastoral activity पे, किसके ऊपर, पशु के ऊपर, जानवरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। दे इंक्लूड कम्युनिटीज लाइक बेदोइंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्कान। तो ये क्या है, ये अलग अलग पैस्टोरल कम्युनिटी के नाम है। जैसे आपने इंडिया में देखा था गुज्जर्स, गुज्जर बकरवास, गद्दीस, धंगर्स, उसी तरह से अफ्रीका के जो प्रोमिनेंट पैस्टोरल ग्रुप्स हैं तो वो ये हैं, बेदोइंस वगैरह, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो नदन पार्ट में बेदोइंस रहते हैं, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, पूरे कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में सोमाली, जो सोमालिया वाला क्षेत्र है वहां पे सोमाली रहते हैं, क्लियर हुआ। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे क्या है, पेस्टोरल ग्रुप्स हैं, जैसे टुरेग्स भी हैं अफ्रीका के पेस्टोरल। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह करोगे ना, तो अफ्रीका को जब पढ़ोगे आप, अफ्रीका की ज्योग्राफी को पढ़ोगे, तो अफ्रीका की ज्योग्राफी में, अफ्रीका की ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जहां पे आपको ये देखने को मिलता है क्या कि वहां पे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग पेस्टोरल ग्रुप्स हैं, और जिनके कुछ कुछ अलग अलग रीति रिवाज हैं, एक दूसरे से अलग हैं, और ये आपस में लड़ते भी है बहुत ज्यादा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट पेस्टोरल ग्रुप्स हु आर फाउंड इन अफ्रीका।
Most of them now live in semi-arid grasslands or arid deserts where rain-fed agriculture is difficult. ठीक है, तो अब क्योंकि पूरा का पूरा अफ्रीका जैसे देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है तो वो ड्राई रीजन में आता है. जब ड्राई रीजन में मेजोरिटी ऑफ द अफ्रीका आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि खेती उतनी पॉसिबल नहीं है. तो अब जब रायकास के साथ भी क्या स्थिति आ रही है, राजस्थान के जो रायकास है तो खेती उतनी पॉसिबल नहीं, इस कारण से वो खेती के साथ साथ क्या करते हैं, खेती के साथ साथ जीवन यापन के लिए पेस्टोरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. सेम इज द केस हियर ऑल्सो. समझ में आया? तो देयर इज कैटल, कैमल्स, गोट, शिप एंड डोंकीज एंड दे सेल मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वुल. तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है. ठीक है, ऊंट लगा के, ऊंट, भेड़, बकरी, गधे सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको. और साथ ही साथ क्या है, वो दूध वगैरह बेचते हैं, मीट, मतलब ये वही एनिमल प्रोडक्ट्स बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं. परफॉर्म्स ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, पेस्टोरल एक्टिविटी अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर एंड सम डू वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स. तो जीवन यापन का जो प्रमुख स्रोत है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है, समझ में आ रहा होगा कि खेती करते हैं कुछ जहां पे खेती पॉसिबल है, या फिर जानवरों को पालते हैं. जानवरों को पालने के साथ साथ में क्या हो रहा है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में है जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स, कंस्ट्रक्शन वगैरह. इस तरह से पॉवर्टी, जैसे अगर आप देखोगे तो अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, डिसीजेज, ये सारी चीजें. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर डेवलपमेंटल लेवल जो है उतना उतना अच्छा नहीं है अफ्रीका में. दिस इज दी ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्टिनेंट. और इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे पेस्टोरल ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका वो चीज है. अब क्या हो रहा है ना कि पेस्टोरलिज्म था वहां तक ठीक था, जीवन यापन का तरीका जो था लोगों का तो नोमैडिक स्टाइल थी, नोमैडिक स्टाइल के साथ साथ में जानवरों को पालते थे सारा सब कुछ. लेकिन फिर क्या हुआ कि अफ्रीका में पहुंच गए कौन, यूरोपियंस. यूरोपियंस ने अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना ली, कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया. तो कॉलोनियलिज्म का प्रभाव पेस्टोरलिज्म पे क्या पड़ा, ठीक है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, क्योंकि आपने आगे पढ़ के आयो सारा सब कुछ, कि पेस्टोरलिज्म के ऊपर कॉलोनियलिज्म का एक बहुत डेट्रीमेंटल इंपैक्ट रहा है. कैसे, तो हमने इंडिया के केस में जो पूरा पढ़ा देखा, आपने जाना समझा कि प्रभाव जो रहे दुष्प्रभाव रहे हैं. ठीक है, तो वही पेस्टोरलिज्म, ठीक है, व्हेन जब पेस्टोरलिज्म के ऊपर क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म का ग्रहण लगा. तो आपको वही इंडिया के केस के साथ में ही कंपेयर कंट्रास्ट करते चलना है. तो व्हाट वर दी चेंजेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉलोनियल रूल, ठीक है, हाउ देयर लाइव्स हैव बीन चेंज, मतलब सेम कहानी वही है, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न. अब तक सीख गए होंगे तुम लोग कि हिस्ट्री जो है ना, हर जगह की हिस्ट्री जो रहती है तो वो एक पैटर्न में, जो बच्चे बोलते हैं ना हिस्ट्री से डर लगता है सर बहुत ज्यादा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना तो आपने सब सीख लिया. सिंपल सी चीज है, हिस्ट्री हमेशा एक पैटर्न में चलती है. वो पैटर्न अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो आप सारी चीजों को फिर बहुत आसानी से कर पाते हैं. क्लियर हुआ? बस क्या होता है, जगह बदलती है, नाम बदलते हैं, टाइम लाइन बदलती है, कैरेक्टर्स बदलते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री का जो चलने का तरीका है वो ऐसे ही है. अगर कॉलोनियल रूल आएगा तो उसका पेस्टोरलिस्ट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा. वही चीज आपको यहां समझ में आना चाहिए, क्या कि कॉलोनियल रूल यहां भी आया तो यहां पे भी वैसे ही प्रभाव पड़ेंगे कि उनका एरिया जो है वो रिजर्व कर दिया जाएगा या फिर एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उनके मूवमेंट पे प्रॉब्लम आएगी, उनकी कैटल्स के साथ दिक्कत जाएगी. तो वही पैटर्न यहां पे भी रिपीट होगा. ठीक है, तो वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पेस्टोरल कम्युनिटी, दी मसाई. ठीक है, मसाई इन सम डिटेल, मसाई. ठीक है, मसाई मतलब क्या है, माई पीपल, उस तरह से. ठीक है, तो मसाई कम्युनिटी जो है एक पेस्टोरल कम्युनिटी है विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी है मसाई कम्युनिटी. तो हम क्या करेंगे कि सारी चीज मसाई कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में पढ़ते चलेंगे, मतलब मसाई कम्युनिटी को रेफरेंस लेके फिर पढ़ते चलेंगे हर चीज. तो द मसाई कैटल हर्डर्ड लिव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका. तो दे लिव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका, ये वाला जो पार्ट है ना, इधर की तरफ रहते हैं वो लोग. ठीक है, तो ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं. तो ब्रॉडली दे कवर टू कंट्रीज, एक कीनिया और दूसरा, ठीक है, तंजानिया. ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, तो 300,000 इन सदर्न कीनिया एंड अनदर 150,000 इन तंजानिया. तो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है उनकी कीनिया और मतलब सदर्न कीनिया हो गया और नदन तंजानिया हो गया. तो नदन तंजानिया और सदर्न कीनिया यहाँ पे पूरे बसी हुई है मसाई कम्युनिटी. ठीक है, यहाँ पे पूरी मसाई कम्युनिटी बसी हुई है, यहाँ रहते हैं. क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको एक ब्रॉड आइडिया क्लियर हो गया कि हाँ पेस्टोरलिज्म अफ्रीका में प्रोमिनेंट है, कॉलोनियलिज्म भी आएगा और हम ये पूरा कॉलोनियलिज्म का पेस्टोरलिस्ट लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या क्या बदलाव ऐसे आए कॉलोनियल टाइम पीरियड में, वो सारा सब कुछ एक कम्युनिटी का रेफरेंस लेके चलेंगे. वो एक कम्युनिटी है मसाई कम्युनिटी. क्लियर है? अब देखो क्या है, तो वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गोन. ठीक है, तो वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गोन, इससे क्या समझ में आ रहा है कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में जिस तरह से आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा था, टाइटल समझ लो पहले,
कि जैसे जो भी कॉलोनियल पावर आती है, ब्रिटिशर्स आए, जर्मन्स आए यहाँ पे अफ्रीका में जैसे देखोगे, तो उन्होंने क्या सबसे पहले किस तरह से इनको इनकी लाइफस्टाइल को हैम्पर किया होगा कि इन लोगों के पास जानवर है बहुत सारे और जानवरों को ग्रेस करवाने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए रहेगी, लेकिन अगर जगह कम होगी तो जानवरों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है, तय है। तो वही हुआ कि इन लोगों की सबसे पहले जगह कम होने लगी, ग्रेजिंग लैंड जो थी तो गायब होने लगी। पूरी बाबा ठीक है, ग्रेजिंग लैंड कैसे गायब हो सकती है? ग्रेजिंग लैंड गायब होने का मतलब यह है कि इन कॉलोनियल पावर्स ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर दिए किसी ना किसी तरह से, जिसके चलते ग्रेजिंग लैंड्स श्रैंक होने लगी, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ इंडिया। ठीक है, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ इंडिया। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स द मसाइज हैव फेस्ड इज द कंटिन्यूस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, एक जो प्रॉब्लम मसाई कम्युनिटी ने फेस करी, वो क्या प्रॉब्लम फेस करी? वो ये फेस करी कि उनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी, तो उसका कंटिन्यूसली वो ग्रेजिंग लैंड खोते चले गए, ग्रेजिंग लैंड कंटिन्यूसली खोते चले गए। तो बिफोर कॉलोनियल टाइम, कॉलोनियल टाइम के पहले क्या स्थिति थी देखो, तो मसाई लैंड स्ट्रेच ओवर वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ कीनिया टू द स्टेपीज ऑफ नॉर्थ तंजानिया। ठीक है, मसाई लैंड की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता है कि मसाई लैंड बहुत ज्यादा फैली हुई थी। ठीक है, कब? जब कॉलोनियल टाइम पीरियड नहीं आया। देखो, ब्रिटिशर्स वहां नहीं आए उसके पहले की स्थिति क्या थी और आए उसके बाद की स्थिति क्या थी। तो बिफोर कॉलोनियल टाइम्स मसाई लैंड जो थी, मसाई लैंड यानी कि जहां वो रहते हैं, मसाई कम्युनिटी की जगह, ठीक है, मसाई लैंड स्ट्रेच ओवर वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ कीनिया टू द स्टेपीज ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया। तो पूरा कीनिया ही मान के चलो, अब जो साउथ तक ही सिकुड़ के रह गए, एक समय पूरे कीनिया में फैले हुए थे, पूरी कीनिया, तंजानिया, ठीक है, इन देशों में फैले हुए थे कौन? मसाई कम्युनिटी। लिव्ड हैप्पीली ओवर देयर और बहुत प्रेम पूर्वक वहां आराम से रहते थे, ठीक है, अपने जानवर चलाते थे, खुश रहते थे। अब क्या हो रहा, आ गए कॉलोनियल पावर्स। तो कॉलोनियल पावर्स में जैसे देखोगे तो आप क्या है, अफ्रीका के साथ एक केस क्या रहा, मैं आपको बताता हूँ कि अफ्रीका में पूरे यूरोप ने भंडारा किया, पूरे यूरोप ने भंडारा किया। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो एशिया में भी, इंडिया में ब्रिटिश आए, आगे और चले जाओगे तो डच पहुंचे, ठीक है, कहीं पोर्टुगीज पहुंचे, कहीं फ्रेंच पहुंचे, तो यूरोप से निकलते थे टोली बना के, सब अलग अलग जगह कब्जा कर लेते थे। अब वैसे ही पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ना, कभी आपने सोचा है कि एकदम ऐसा बराबर ऐसा लगता है कि जिस किसी ने कंट्रीज की लाइन जो है वो स्केल से खींच के बनाई होगी। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो सही सोचते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा ही हुआ है। जब ये बहुत सारी यूरोपियन पावर्स अफ्रीका में आके बैठ गई थी ना, तो लड़ते थे आपस में। तो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1871 या 1875, ठीक है, उस टाइम पीरियड में क्या है, ग्रेट पावर्स सारी बैठती है यूरोप की, बोलती है कि यार अफ्रीका का बंटवारा कर लो क्योंकि अपन बहुत लड़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रेम पूर्वक यहाँ पे अफ्रीका का बंटवारा किया। तो इस तरह से ये बॉर्डर्स ड्रॉ आउट की गई थी ऑन पेपर कि अफ्रीका को बांट लिया जाए। क्यों? क्योंकि सारे यूरोपियंस वहीं आके बैठ गए थे अफ्रीका में। तो अमेरिका की भी कॉलोनी, यूरोपियन छोड़ो, अमेरिका से भी बैठ गए थे लोग, अमेरिका की भी कॉलोनी, ब्रिटेन की भी कॉलोनी, जर्मन की भी कॉलोनी, डच की भी कॉलोनी, फ्रेंच की भी कॉलोनी, सब पूरे जो मैं कह रहा हूँ ना, इटालियन कॉलोनीज, सब लोग भंडारे में बैठे हुए थे अफ्रीका में। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखोगे तो कॉलोनियल टाइम पीरियड में अलग अलग यूरोपियन पावर ने अलग अलग तरह से पेस्टोरल लाइफ को इफेक्ट किया है यहाँ पे। क्लियर हुआ? कमिंग बैक टू द टॉपिक, बह गए हम कहाँ, तो यूरोपियन इंपीरियल पावर्स स्क्रैम्बल्ड द टेरिटोरियल पोजीशंस इन अफ्रीका, स्लाइसिंग अप द रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज। ठीक है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, कि ये अलग अलग यूरोपियन पावर्स आई, लड़ती थी आपस में, और उन्होंने क्या कर दिया कि अफ्रीकन टेरिटरीज को अलग अलग स्लाइसेस में बांट लिया कि एक तेरा एक मेरा। ठीक है, उस टाइप से। तो इन 1885 मसाई लैंड वॉज कट इंटू हाफ विथ एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश कीनिया एंड जर्मन तगैन किया। ठीक है, तगनिका ऐसा कुछ है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ये कंट्री था पहले। ठीक है, एक कंट्री था, अब तंजानिया में मिला दिया गया इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को तंजानिया में मिला दिया गया। तो इन 1885 मसाई लैंड वॉज कट इंटू हाफ, तो 1885 में वही एक पार्ट कीनिया रह गया, तो एक ये ब्रिटिश कीनिया हो गया, दूसरा ये जो जर्मन तगानकिया जो है, ठीक है, तो ये किसको दे दिया गया है, ये आज तंजानिया के पास है, तंजानिया जो देश है उसके पास में। ठीक है, मैप पे अगर बताऊं तो ये कीनिया है ऊपर हो गया और ये तंजानिया। तो अब क्योंकि क्या है कि यूरोपियन पावर्स ने जिसे स्लाइसिंग करना चालू की, तो तंजानिया उस समय पे जर्मन के अंडर में था और कीनिया जो था ब्रिटिश के अंडर में था, तो ऐसा यूरोपियन पावर्स ने बांट लिया। अब एक तो क्या मतलब, ये तो पूरे एक साथ ही रहते थे मसाई लैंड में, लेकिन उनको विभाजित कर दिया गया आपस में। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ग्रेजिंग लैंड कहां गई है, तो ग्रेजिंग लैंड अब जाएगी। तो कॉलोनियल पीरियड में जब डिवीजन हुआ, इसका इंपैक्ट क्या हो गया, इसका इंपैक्ट ये होगा कि बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स वर ग्रेजुअली टेकन ओवर फ्रॉम दी फॉर वाइट सेटलमेंट्स एंड दी मसाई वर पुश्ड इनटू दी स्मॉल एरियाज इन साउथ कीनिया एंड नॉर्थ तंजानिया। अब जब डिवीजन होना चालू हुआ तो जगह डिवाइड करके उन्होंने क्या कर दिया, वाइट सेटलर्स को वहां पे सेटल करवाना चालू कर दिया। अफ्रीका के इतिहास में एक चीज जो इंडिया से थोड़ी सी अलग है वो क्या है कि
यूरोपियंस इंडिया में आके बसे नहीं, लेकिन बहुत सारे यूरोपियंस यूरोप छोड़ छोड़ के अफ्रीका में बस जरूर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पे रिसोर्सेज दिख रहे थे, पैसा दिख रहा था, और पैसा दिख रहा था उसी के साथ साथ उन्होंने देखा कि यार ठीक है, यहाँ पे लेबर वगैरह मिल जाएंगे, स्लेव्स मिल जाएंगे, अपना जीवन चलता रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्या देखने को मिलता है आपको, बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो आके बसते चले गए। ठीक है, जब यूरोपियंस आके बसते बसते चले गए तो वहां पे व्हाइट सेटलमेंट जो हुआ, तो अच्छी जगह उन्होंने व्हाइट सेटलमेंट के लिए जो व्हाइट थे उन लोगों ने रख ली। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो वहां के लोकल नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, तो वो कुछ ही पार्ट में रह गए, जैसे साउथ कीनिया में रह गए और नॉर्थ तंजानिया में हो गए। ठीक है, द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स। ठीक है, प्री कॉलोनियल लैंड जो ब्रिटिशर्स के या फिर कह सकते हैं जर्मन के आने के पहले जो उनके पास में लैंड थी ना, उसका 60% हिस्सा जो है मसाई कम्युनिटी ने खो दिया। खो दिया, दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विथ अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पैश्चर्स। ठीक है, तो दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन, अब एक सूखे क्षेत्र में रह गए थे वो बस, जहां पे पानी की कमी है, जहां पे खाने की कमी है, तो अब ऐसे में जानवर कैसे सर्वाइव करेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो वेयर हैव दी ग्रेजिंग लैंड्स गोन, तो उसके चलते आपको मतलब उस टॉपिक का ऐसे समझ में आना चाहिए कि विथ दी कॉलोनियल टाइम्स, विथ दी कॉलोनियल रूल्स, ठीक है, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज वर सीवियरली अफेक्टेड और क्या प्रभाव उन पर पड़ा था। फर्दर प्रॉब्लम्स, ठीक है, फर्दर प्रॉब्लम्स क्या है, तो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और क्या समस्या हुई, और क्या समस्याएं हुई, तो देखो कल्टीवेशन एक्सपैंड होता चले गया, कल्टीवेशन एक्सपैंड होता चले गया। प्रॉब्लम ध्यान रखना कि व्हाट वर दी प्रॉब्लम्स व्हिच केम अप विद दी कॉलोनियल रूल। क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया अफ्रीका में, तो आपने एक तो देख लिया कि डिवीजन हो गया कंट्रीज का, कीनिया का, तंजानिया का, ये बता देना। दूसरा क्या है कि हर जगह, अब ये जहां जहां गए ना कॉलोनियल पावर्स, जहां जहां गए, इंडिया में भी जैसे आए थे, तो इन्हें क्या दिखता था कि टैक्स लगाओ, खेती करवाओ, ठीक है, और यहां से जो प्रोड्यूस होगा तो उसको ले जाएंगे, कॉफी वॉफी प्रोड्यूस करो, ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे घाना वगैरह इन सारे देशों से अच्छी रिच वैरायटी ऑफ कॉफी प्रोड्यूस होती थी और सब यूरोपियन मार्केट में बेचा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन को स्टार्ट किया, उसी के साथ साथ रिजर्वेशन पे भी फोकस किया, जैसा इंडिया में हुआ था। हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, वो पैटर्न पकड़ लेना बस। ठीक है, तो वही हुआ देखो, तो द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका ऑल्सो एनकरेज लोकल पीजेंट कम्युनिटीज टू एक्सपैंड कल्टीवेशन। अब खेती ब्रिटिशर्स के सिर पे थोड़ी ना करेंगे, जमीन ही चाहिए रहेगी, तो वो ग्रेजिंग लैंड कम हो रही है। ठीक है, एज कल्टीवेशन एक्सपैंडेड पैश्योर लैंड्स वर टर्न्ड इनटू कल्टीवेटेड फील्ड्स। तो जैसे जैसे खेती बढ़ते चले गई, जितनी भी पैश्योर लैंड्स थी उन सब पे खेती की जमीन कन्वर्ट कर दिए। लार्ज एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड वर ऑल्सो टर्न इंटू गेम लाइक गेम रिजर्व, गेम रिजर्व लाइक दी मसाई मारा, दी समरू नेशनल पार्क इन कीनिया एंड सेरेंगेती पार्क इन तंजानिया। अब क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ गेम रिजर्व से क्या मतलब है कि गेम खेलने जाते थे क्या? नहीं, गेम रिजर्व यानी कि जो बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स थे तो उनके लिए क्या कर दिया गया, एरियाज को रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, जहां पे क्या होगा, जहां पे मतलब जैसे आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, उस तरह से। तो एक कारण ये भी रहा कि उनकी ग्रेजिंग लैंड कम कैसे हो गई, तो मसाई मारा नेशनल पार्क हो गया, समरू नेशनल पार्क कीनिया में, सिरिंगिती नेशनल पार्क तंजानिया में, तो और ये किलोमीटर्स में, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में एरिया को ऐसे रिजर्व कर दिया गया जिसके चलते ग्रेजिंग लैंड कम हो गई है। समझ में आया? तो डिविजन, कल्टीवेशन, रिजर्वेशन, इन चीजों के चलते ग्रेजिंग लैंड जो वहां की मसाई ट्राइबल कम्युनिटी, मसाई पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी, उनके पास ग्रेजिंग लैंड कम होते चलेगी। देखो मैं इसीलिए जब से ट्राइबल वर्ड निकलता तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ, पेस्टोरलिस्ट, डिफरेंस है क्या? तो देखो एक ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइबल हो सकती है, जंगल में रह सकती है, ठीक है, और वो ट्राइबल कम्युनिटी पेस्टोरलिस्ट भी हो सकती है, मतलब कि वो जानवरों के साथ रह रही है सारी चीजें, फाइन, लेकिन हर ट्राइबल कम्युनिटी पेस्टोरलिस्ट नहीं होती। तो ट्राइब एक बड़ा वर्ड हो जाता है, पेस्टोरलिस्ट और प्रिसाइज है कि जो जानवर वाले आदिवासी लोग हैं तो वो पेस्टोरल ट्राइब्स हो गए, ऐसा। समझ में आया? आप इतने टेक्निकल में नहीं भी जाओगे तो यूनानिमसली यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि चैप्टर इज पेस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो हम उसको पेस्टोरलिस्ट ही लिखे, ज्यादा बेहतर है, शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पेस्टोरलिस्ट वेयर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स, दे कुड नाइदर हंट एनिमल्स नॉर ग्रेज देयर हर्ड्स इन दीज एरियाज। और जब इस तरह से रिजर्वेशन हो गया तो पेस्टोरलिस्ट को बोल दिया है दूर से, ठीक है, उनको अंदर नहीं जाने देते थे, ना वो हंटिंग कर सकते थे, ना अपने कैटल्स को ग्रेज करवा सकते थे। इसका इंपैक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली आपने उनके एरियाज को श्रैंक कर दिया ना, आपने उनके ग्रेजिंग लैंड्स को क्या कर दिया, गायब, छुमंतर। तो अब उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली यही होने वाला है कि जिस तरह से ग्रेजिंग लैंड उनकी धीरे धीरे डिसअपेयर हो रही थी, तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस थिंग, इसका प्रभाव ये पड़ा कि द लॉस ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड वाटर रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रेशर ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ लैंड दैट द मसाई वर कन्फाइंड विद इन। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, क्या, कि विद द लॉस ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स,
जो बहुत अच्छी ग्रेजिंग लैंड थी वो तो अब सब चले गई, खेती में चले गई, रिजर्वेशन में चले गई, डिवीजन में चले गई, ठीक है। रिसोर्सेज जो थे वो कम होने लगे, स्मॉल प्लॉट ऑफ एरिया पे बहुत रिसोर्स प्रेशर था, ठीक इंडिया के जैसा कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके चलते क्या मसाइस के पास में बहुत कम कम्युनिटी, वो बहुत कम लैंड रह गया ग्रेजिंग लैंड। कंटिन्यूस ग्रेजिंग विद इन अ स्मॉल एरिया इनएविटेबली मेंट अ डेटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पैश्योर, और कंटिन्यूसली जब उस पर ही ग्रेजिंग होती रहेगी होती रहेगी, तो जो क्वालिटी ऑफ पैश्योर निकल के आएगी उस लिमिटेड एरिया से वो बहुत खराब क्वालिटी होते चली जाएगी, ठीक है। फॉडर वॉज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, खाने की कमी है, जानवर बेचारे मुंह देखा करते थे एक दूसरे का, ठीक है, बोलते थोड़ा सा दे दे, ठीक है, तो वो आपस में लड़ते होंगे, तो उस तरह से क्या है कि फॉडर की कमी हो गई, ठीक है, जस्ट जोकिंग, खाने की कमी हो गई। फीडिंग द कैटल बिकेम अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम, तो अब समस्या ये है कि खिलाओगे क्या जानवरों को, अब ऐसा तो नहीं है कि जानवर को तुम पत्थर दे दोगे कि ये खा लो इनसे पेट भर लो, खाना तो उन्हें भी घास ही चाहिए ना, तो अब उनके लिए घास कहां से लाओगे, क्योंकि जगह नहीं थी अपने सिर पे घास उगाने से, तो है समझ में आया। तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ डिसअपीयरिंग ग्रेजिंग लैंड, सो दीज वर द इंपैक्ट, क्या कि जो ग्रेजिंग एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा था जैसे जैसे, तो छोटे स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और उस इंटेंस प्रेशर के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा था कि जब एक्सटेंसिव ग्रेजिंग होती थी तो क्वालिटी ऑफ पैश्योर निकल के आता था, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। फॉडर वॉज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, और उसी के चलते क्या है कि फीडिंग कैटल्स बिकेम अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम। आई होप यू पीपल गॉट माई पॉइंट, ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, समझ में आ गए, ठीक है। तो ये आपने उतना समझ लिया कि ग्रेजिंग लैंड्स क्यों कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, उसका प्रभाव क्या पड़ा। उसी के साथ साथ और भी कॉलोनियल टाइम पीरियड में और क्या चेंजेस आए, एक बड़ा क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट वर द चेंजेस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन अफ्रीका ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, इंडिया नहीं पूछ रहे अफ्रीका, तो कहानी लगभग सेम ही है, लेकिन आपको अफ्रीका के कंटेक्स्ट में अफ्रीका के एग्जांपल देके लिखना होंगे। तो अगला क्या है, दी बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, बॉर्डर्स आर क्लोज्ड मतलब क्या है कि अब उनको रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया गया कि तुम इससे बाहर नहीं जा सकते, जैसे इंडिया में क्या फॉरेस्ट एक्ट के चलते रिजर्व्ड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, विलेज फॉरेस्ट ये क्रिएट किए थे, तो उनकी बॉर्डर्स डिफाइन कर दी थी ना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के चलते क्या है बोल दिया गया था कि तुम इन क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते हो, ध्यान आ रहा है कुछ करण अर्जुन मोड पे जाके, ठीक वैसे यहाँ पे भी कहानी हो रही है, क्या कि जब ओपन बॉर्डर्स थी, ठीक है, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि भैंस जिधर जिधर जा रही है तो उनके पीछे उनका ट्राइब मतलब जो मालिक है वो भी पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है, तो बेफिक्र थे। अब लेकिन उन्होंने बोल दिया कि इस बॉर्डर के आगे मत जाना, अब भैंस को तो क्या पता बेचारी को क्या बॉर्डर होता है, लेकिन उससे रुकना पड़ेगा वहां, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो पहले ओपन बॉर्डर्स थी, दे वर फ्री टू मूव इन एनी पार्ट, ठीक है, वेर एवर दे विल फाइंड द गुड क्वालिटी ऑफ फॉरेज, ठीक है, वेर एवर दे विल फाइंड अ गुड क्वालिटी ऑफ पैश्योर, दे विल मूव देयर, ओपन बॉर्डर सिस्टम था। लेकिन विथ द कमिंग अप ऑफ कॉलोनियल रूल एंड कॉलोनियल पावर्स, दे हैव इम्पोज्ड सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, बॉर्डर्स वर बीइंग क्लोज्ड, बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया, और जब बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया तो उसके चलते क्या है रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा आ गए, है ना। तो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन इंपोजिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी, किसकी, मसाइस की मोबिलिटी पे, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, लाइक द मसाई अदर पेस्टोरल ग्रुप वेर ऑल्सो फोर्स टू लिव विद इन द कन्फाइंस ऑफ स्पेशल रिजर्व्स, तो स्पेशल एरिया रिजर्व कर दिया जाता था कि इतना में तुम्हारे जानवर और तुम और तुम्हारा परिवार सब इतने एरिया में रहना, इससे बाहर मत निकलना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है उनके लिए बहुत ज्यादा बॉर्डर्स वगैरह कन्फाइन करके उनको रिजर्व कर दिया जाता था, एक तरह से बंद कर दिया जाता था कुछ ही क्षेत्रों में। द बाउंड्रीज ऑफ दीज रिजर्व बिकेम द लिमिट्स विद इन विच दे कुड मूव नाउ, ठीक है। तो अब क्या है कि जो बाउंड्रीज थी वो द बाउंड्रीज ऑफ दीज रिजर्व बिकेम द लिमिट्स विद इन विच दे कुड नाउ मूव, ठीक है। तो अब उनको बोल दिया कि इतने के अंदर ही रहना दोस्त, ठीक है, बाहर नहीं निकलना, बाउंड्री सेट कर दिए सब। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विथ देयर स्टॉक विदाउट द स्पेशल परमिट, और ऐसे परमिट तो बस एक छलावा है कि हम परमिट देंगे तभी बाहर निकलना, और परमिट मिलते ही नहीं थे बेचारों को, ठीक है। तो समझना बहुत अच्छे से, बॉर्डर्स आर क्लोज मतलब ये है कि जब बॉर्डर्स डिफाइन कर दी गई, पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को बोल दिया गया कि इतने में ही रहना है, यू आर नॉट सपोज टू मूव आउट ऑफ दीज रीजंस, तो उससे बड़ी दिक्कतें आई, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट विथ देयर स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट्स, एंड सच परमिट्स वर नॉट इजिली अवेलेबल टू देम, और अगर कोई निकल गया गलती से तो तुम कैसे निकले बाहर, ठीक है। तो दोस फाउंड गिल्टी ऑफ डिसओबेइंग द रूल्स वर सीवियरली पनिश्ड, अगर कोई बाहर निकल जाता था तो उसे पकड़ के दबा के पजा दिया जाता था, ठीक है। तो दे वर बींग सीवियरली पनिश्ड, तो ये स्थिति थी, ठीक है। वेन देयर बॉर्डर्स वर बींग क्लोज्ड दे सफर्ड अ लॉट, देयर मूवमेंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड, एंड इफ दे गो बियॉन्ड द एरियाज डिफाइंड फॉर देम दे वर बींग सीवियरली पनिश्ड, ठीक है, उन्हें पनिश किया जाता था, समझ में आया। तो अदर साइड ऑफ द कॉलोनियल रूल, तो ये तो एक पार्ट हो गया,
लेकिन उसके अलावा मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ तो बुरे ही बुरे हैं। तो एक तो उनके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा है, साथ ही साथ क्या है कि पैस्टोरलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन वाइट एरियाज, ठीक है, कि उनके जानवरों के लिए तो जगह डिफाइन करी थी, उसी के साथ साथ जानवरों के मालिक के लिए भी जगह डिफाइन कर दी है। एक वाइट एरिया होता था, ब्लैक एरिया होता था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तैयार? ठीक है, ऐसे तैयार हो जाओ, ऑन योर मार्क्स करें। सवाल ये है, ठीक है, आपने सिविक्स में पढ़ा है कि ये जो इस तरह से ऑफिशियल सेग्रीगेशन ऑफ ब्लैक्स और वाइट्स की पॉलिसी थी, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? अपने मन में जवाब आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे मैं ही बताता हूँ। आया, इस सिस्टम को क्या कहते थे जब ब्लैक्स और वाइट्स को अलग अलग किया जाता था? पूरे अफ्रीका में ये बीमारी फैली हुई थी, अपार्थाइड सिस्टम, है ना? तो ध्यान है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो वो अपार्थाइड सिस्टम तो था ही यहाँ पे, तो उसके चलते क्या कि व्हाइट एरियाज ब्लैक एरिया इस तरह से डिवाइडेड होते थे। तो जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी ना, तो इनके कैटल्स के साथ ये कितना मूव करते वो तो डिफाइन कर ही दिया था, ये हमने देख लिया कि बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। साथ ही साथ क्या है कि जो ओनर होते थे उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन थे बहुत सारे, कि तुम व्हाइट एरिया में नहीं जा सकते हो, ठीक है, ओनर मतलब जो कैटल हर्डर्स होते थे, कैटल्स भी नहीं जाएगी और पेस्टोरलिस्ट भी नहीं जाएंगे। देवर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड विथ व्हाइट्स, ठीक है, व्हाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पेस्टोरलिस्ट एज डेंजरस एंड सेवेज पीपल विथ हुम ऑल कॉन्टेक्ट हैड टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, जो यूरोपियंस आए थे, व्हाइट सेटलर्स थे, उन्हें लगता था ये तो बहुत जंगली लोग है, ठीक है, सैवेज है, डेंजरस है, खतरनाक है, जंगली है, तो इनके साथ तो किसी तरह का कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना है, ऐसी सोच थी। मतलब अपार्थाइड सिस्टम उसी चीज पर बेस्ड था कि ये स्किन कलर ब्लैक है तो ये तो खतरनाक लोग इस टाइप से, ठीक है, तो वो किसी प्रकार का वो नहीं रखना चाहते थे उनके साथ में कनेक्शन, ठीक है। कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स वॉज हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल, लेकिन चाहने से क्या होता है, क्या वो पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि काम करवाना है, मेहनत का काम करवाना, तब तो आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, तो सारे लिंक्स कट ऑफ कर देना वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हाइट कॉलोनिस्ट हैड टू डिपेंड ऑन ब्लैक लेबर टू बोर माइंस एंड बिल्ड रोड्स एंड टाउन्स, ठीक है, क्या कि जो पूरी लिंक्स कट ऑफ करना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपको डिपेंडेंट तो उनके ऊपर ही होना पड़ेगा, किनके ऊपर? ब्लैक्स के ऊपर। अगर व्हाइट्स को क्या करना है, रोड बनवाना है, टाउन्स में डेवलपमेंट करना है, ठीक है, माइंस में से खदानों में काम करवाना है, तो खुद तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो उनको उनके ऊपर डिपेंडेंट होना तो पड़ता ही था, ठीक है। तो अब उसका इंपैक्ट क्या अल्टीमेटली, जैसे अगर आप देखोगे तो रिस्ट्रिक्शंस अंडर कॉलोनियल रूल डिड नॉट एंटायरली स्टॉप देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर जो रिस्ट्रिक्शन थे तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, इंटरेक्शन ब्लैक्स और व्हाइट्स का होता ही था, बट देवर नॉट सब्जेक्टेड टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन बहुत सारी बंदिशों में उनको जीवन अपना बिताना पड़ रहा था, तो ना दिखने वाली बीड़ियां उनके हाथ पैर गले, ठीक है, पेट में सब जगह कस दी गई थी, किसके? जो लोकल पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी। क्लियर हुआ? तो बॉर्डर्स वर क्लोज्ड का ये मैंने आपको दूसरा साइड भी दिखा दिया। अब क्या हो रहा है कि ये आपने सब कुछ देख लिया कि उन्होंने क्या चेंज लेके आए, कि उन्होंने कॉलोनियल पावर में जो लोग आए उन्होंने क्या क्या चेंज लेके आए, तो उन्होंने एरियाज को रिजर्व कर दिया, उन्होंने एक तरह से आप देखेंगे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, कंट्रीज को डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसी के साथ साथ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लगा दिए कि वो कहाँ मूव कर सकते हैं कहाँ नहीं मूव कर सकते हैं। दे वर बीइंग फॉरबिडन टू ट्रेड और टू मूव फ्रीली इन दी एरियाज ऑफ वाइट कम्युनिटीज, बॉर्डर्स वर बीइंग क्लोज्ड, उतना सब कुछ देख लिया। तो ये तो कॉलोनियल पावर ने स्थिति बिगाड़ के रखी थी, लेकिन कभी कभी प्रकृति भी परीक्षा लेती है। तो व्हेन पास्चर्स ड्राई, अब ये टॉपिक समझो क्या है कि जैसे अगर मान लो किसी साल बारिश नहीं हुई, एक तो वैसे ही ड्राई रीजन है, तो सूखे वाली स्थिति हो जाएगी, ड्रॉट, और ड्रॉट में क्या होगा, पास्चर्स आर ड्राई, मतलब कि जो पेस्चर लैंड रहती है जहां पे ग्रेजिंग की जाती है, तो ग्रेजिंग अब हो नहीं पाएगी क्योंकि क्या खिलाओगे, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी तो खाएंगे नहीं। तो इस तरह से व्हेन पास्चर्स आर ड्राई में आपको ये चीज समझना होगी कि अब सबको सूखा है, अब कुछ है नहीं खाने पीने के लिए उनके पास में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था पता है, कि कैटल्स आर लाइकली टू स्टार्व अनलेस दे कैन बी मूव टू एरियाज वेयर फॉरेज इज अवेलेबल। तो अगर एक क्षेत्र में सूखा पड़ गया है तो ये नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, ये दूसरे क्षेत्र में चले जाती थी, तो कैटल्स आर लाइकली टू स्टार्व अनलेस दे मूव वेयर दी मूव टू द एरिया वेयर फॉरेज इज इजीली अवेलेबल। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि समझना पूरी कहानी अच्छे समझना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई द ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक, इसीलिए ट्रेडिशनली जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो नोमैडिक होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक जगह पे हमारे जानवरों के लिए खाना समाप्त हो जाता है तो हम नई जगह चले जाएंगे, ठीक है, एक जगह पे हमारे जानवरों के लिए अगर खाना समाप्त हो रहा है तो हम नई जगह चल पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए दे वर ट्रेडिशनली नोमैडिक दोज हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, दिस नोमैडिज्म अलाउ देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। तो अगर बुरी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति डेवलप होती है, ऐसी सिचुएशन डेवलप होता है कि व्हेन पास्चर्स विल ड्राई, सो दे विल ऑटोमेटिकली मूव, दे आर नोमैडिक बाय नेचर, ठीक है।
लेकिन बट थिंग्स चेंज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में क्या होता है कि उनका मूवमेंट ही रोक दिया, अगर वहां पे सूखा पड़ गया तो उनके पास में दूसरी जगह चले जाने का ऑप्शन ही नहीं रहता था। दे वर नॉट हैविंग द ऑप्शन टू मूव फ्रीली बिकॉज देयर बॉर्डर्स वर बीइंग क्लोज्ड। तो आपके मन में सवाल आएगा फिर क्या हुआ सर, ठीक है कि अब तो इनका मूवमेंट भी नहीं हो सकता, फिर क्या होना था, बड़ी समस्याएं आई। तो कॉलोनियल पीरियड में द मसाइस वर बाउंड डाउन टू फिक्स्ड एरिया कन्फाइंड विद इन अ रिजर्व एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पैशर। तो दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, दे वर बाउंड डाउन टू स्पेसिफिक प्लेस की यही जो है जितना खाना उतने में खिला लो, नहीं तो कैटल्स कम कर दो अपनी, ठीक है। उसका इंपैक्ट यही होता था कि देवर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड फोर्स टू लिव विद इन अ सेमी एरिड ट्रैक प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स। तो बराबर वहां पे क्या होते थे, सूखा पड़ता रहता था, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आती थी, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड पे वो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे तो वाइट्स बैठ गए, सेटलर्स आ गए, ठीक है। तो सिंस दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेसेस वेयर पैश्चर वर अवेलेबल, लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल डाइड ऑफ स्टार्वेशन। तो बहुत सारे पशु जो थे, अब खाने की चीजें नहीं है, तो बहुत सारे पशु क्या है, भूख के कारण ही मरने लगे क्योंकि सूखा था ना, ड्रॉट पड़ गई तो क्या खिलाओगे, मिट्टी तो खाएंगे नहीं, वही वाली बात है, ठीक है। एंड डिसीजेज इन द ईयर्स ऑफ ड्रॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा बताया गया है कि एक इंक्वायरी सजेस्ट करती है 1930 शोड दैट द मसाई कीनिया, ठीक है, मसाई कीनिया जो है तो पोजेस्ट 720,000 कैटल्स, 720,000 कैटल्स, 820,000 शिप, 171,000 डोंकीज, इतनी कैटल्स थी मसाई कीनिया में कब, 1930s में। और दो साल फिर ड्रॉट आती है कब, 1933-34 में। तो क्या होता है, इन जस्ट टू इयर्स ऑफ सीवियर ड्रॉट ओवर हाफ द कैटल्स इन मसाई रिजर्व डाइड, ठीक है। तो आधे से ज्यादा कैटल जो है मसाई रिजर्व में मृत्यु के घाट चलेगी। समझ में आ रहा है, कारण यही था कि नाउ दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, ठीक है। बेस्ट ग्रेजिंग एरियाज जो थे उससे उन्हें कट ऑफ कर दिया गया था, एंड इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है, जब सूखा पड़ रहा है तो समस्या उनके सिर पर पड़ रही थी। समझ में आया, तो when pastures dry, इस टॉपिक का एसेंस समझ में आया ना, कि कॉलोनियल रूल में जो उन्होंने अत्याचार मचाए उसका तो दुष्प्रभाव था ही था, लेकिन अगर प्रकृति किसी समय उनका साथ नहीं देती थी तो दे वर द वर्स्ट हिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। समझ में आया। अब ये जो टॉपिक है आपका अगला, ये वाला टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देता है आपको, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। क्या कहना चाहते हैं, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड के द्वारा, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड के द्वारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो समझना अच्छे से, कि मसाई कम्युनिटी जो थी उस पूरी मसाई कम्युनिटी में इतने सारे चेंजेस, मसाई कम्युनिटी या फिर पूरे अफ्रीका में जो पेस्टोरलिस्ट ग्रुप्स थे, और उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में सब ने किसी ना किसी तरह से सफर किया है, सब ने किसी ना किसी तरह से सफर किया, ये हमने देखा, फाइन। अब अगर हम एक कदम और आगे बढ़े तो टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक ये कह रहा है कि नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, मतलब कि सारे लोग सफर कर रहे थे लेकिन हर इंसान समान मात्रा में सफर नहीं कर रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ लोग वेल ऑफ सिचुएशन में भी थे और कुछ लोग वर्स्ट अफेक्टेड सेक्शन में भी थे। कुछ लोग वेल ऑफ कैसे हो गए सर, पॉइंट ये आता है यहां पे। तो यही एसेंस है कि नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। तो इन द प्री कॉलोनियल टाइम्स मसाई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू सोशल कैटेगरीज, ठीक है। प्री कॉलोनियल टाइम में मतलब थोड़ा सा समझते ना कि क्या, फ्लैशबैक में जाके कहानी को समझो, ये बता रहे हैं कि मसाई सोसाइटी में उनकी जो सोसाइटी है आज भी, जैसे जो मसाई ट्राइब्स है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि पूरी सोसाइटी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें विमेन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। विमेन आविंग मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो विमेन को एक तरफ साइडलाइन कर दिया, दे आविंग एक्सक्लूडेड, ठीक है, उस टाइप से। तो क्या होता था कि कुछ एल्डर्स होते थे, ठीक है, तो चचा, ठीक है, तो एल्डर्स मतलब क्या, बुजुर्ग लोग हो गए इस टाइप से। एल्डर्स कौन होते थे, तो द एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल्स टू डिसाइड द अफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट्स। तो इस तरह से जो, प्रणाम करो अंकल को, ठीक है, तो जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो एल्डर्स की कम्युनिटी, एल्डर्स की कैटेगरी होती थी। उनका काम ये होता था कि वो मीटिंग जब होती थी, ठीक है, तो मीटिंग्स वगैरह में मिलते थे पीरियोडिक काउंसिल्स में, और कैसे कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, कम्युनिटी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, अलग अलग कम्युनिटी के जो कबीले रहते थे तो उनमें वो काम करते थे, मतलब बड़े बुजुर्ग वाला काम करते थे। और फिर क्या हो गए, वॉरियर्स दूसरी कैटेगरी थी, ठीक है, तो ब्राउन बुंडे जो वॉरियर्स थे, तो वॉरियर्स की क्या है, दूसरी कम्युनिटी होती थी। वॉरियर्स की कम्युनिटी जो कहती थी वो क्या कहती थी, कि वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब, ठीक है। तो वॉरियर्स वाली जो सेक्शन रहेगा तो इसमें क्या है, अधिकतर जो यंग पीपल थे, ठीक है, द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब। तो पूरा का पूरा जो ट्राइब था, अब जो बुजुर्ग चाचा है वो तो थोड़ी ना लड़ने जाएंगे अगर कोई खतरा आएगा, तो
तो लड़ने की बारी आएगी तो आपको हष्ट पुष्ट मुंडे टाइप के लड़के चाहिए रहेंगे, तो वो वॉरियर की कैटेगरी में आते थे सारे यंग लोग, ठीक है। दे डिफेंड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज कैटल रेड्स। अब पॉइंट ये आएगा, आप बोलोगे रेड भी आ गई सर यहाँ पे, मान ही रहे यहाँ पे रेड का मतलब ऐसी वाली रेड नहीं थी, यहाँ पे कैटल रेड से तात्पर्य क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इतना समझ में आया ना आपको क्या कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में मसाई सोसाइटी जो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड थी, एल्डर्स के सेक्शन में। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है एग्जाम में क्या कि how the Masai society was divided during the colonial period, ठीक है, who were elders, who were the warriors, इस तरह से बताओ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि elders बड़े बुजुर्ग हो गए, warriors सारे यंग लोग हो गए, यंग लोगों की जिम्मेदारी क्या होती थी कि वो कम्युनिटी को डिफेंड करते थे और ऑर्गेनाइज करते थे कैटल रेड्स को। अब रेड्स क्या है, ठीक है, रेड पड़ी है उस टाइप से, देखो तो रेड पड़ी है यहाँ पे क्या चीज है, तो the concept of cattle raid under Masai land, समझना मसाई लैंड जो थी मतलब मसाई कम्युनिटी जो थी तो उनके अंदर में कैटल रेड का कॉन्सेप्ट है, आज भी चलता है। और क्यों, क्योंकि जिस अगर आप देखोगे तो हमारे कल्चर का एक वर्ड है क्या कि गोधन, गोधन मतलब कि आपके पास जो कैटल से वही आपका वेल्थ है। एक समय पे आदमी के पास में पैसे के नाम पे क्या होता था, पैसे के नाम पे यही होता था ना कि मेरे पास 1000 गायें हैं, मेरे पास 2000 बैल हैं, या फिर मेरे पास 4 हाथी हैं, 10 घोड़े हैं, उस टाइप से। तो आपकी जो कैटल होती वही आपका वेल्थ होता था, ठीक है, एक समय पे कैटल ही आपका वेल्थ होता था। अब ये क्योंकि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, तो दे आर कंटिन्यूइंग दैट लेगेसी, ठीक है, कि वेल्थ हमारी कैटल से हमारी वेल्थ है, तो कैटल से हमारी वेल्थ है, तो उसके चलते क्या होता है कि अब वेल्थ पे तो चोरी भी होती है, लोग एक दूसरे की वेल्थ के लिए तो लड़ते हैं। देखो हिस्ट्री इज रियली अ वंडरफुल सब्जेक्ट, कैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना पैटर्न में मूव करती है, तो उसका पैटर्न पकड़ो यहाँ पे। फिर क्या हो रहा है कि आज भी आप देखोगे ना तो आज भी इंसान कर वही चीज रहा है, बस करने के तरीके बदल गए। आज के समय में वेल्थ क्या है, आज के समय में वेल्थ टेरिटरी है, आज के समय में वेल्थ पावर है, हथियार है, ये सारी चीजें हैं। तो आज भी इंसान क्या करता है, वही टेरिटरी के ऊपर कब्जा करता है, तभी रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। और उस समय पे जैसे अगर आप देखोगे ट्राइबल कल्चर्स में, पेस्टोरलिस्ट कल्चर में, क्योंकि वेल्थ वो कैटल्स है, तो इसीलिए एक कबीला दूसरे कबीले के कैटल्स पे हमला करता था, मारते नहीं थे, कब्जे में लेने के लिए। तो अब रशिया भी यूक्रेन पे हमला करते हैं कि वहां की जमीन पे क्या जेसीबी चलवा के सब खुदाई करवा देंगे, वो टेरिटरी उनके अंडर में आ जाएगी, वो पावर पोजीशन दिखा पाएंगे। समझ में आ रहा ना, मतलब काफी बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बात को, जिन्हें नहीं कनेक्ट कर पाए तो ऐसे टप्पा खा के बाउंसर निकल जाने दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटल रेड्स अंडर मसाई लैंड, मसाई लैंड में क्या कॉन्सेप्ट था कैटल रेड का, तो रेडिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर कैटल वॉज वेल्थ, वहां पे वेल्थ ही उनका धन ही उनका गोधन था, तो रेडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, जहां पे क्या होता था कि इट इज थ्रू द रेड्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप्स वॉज असर्टेड, ठीक है, रेडिंग के थ्रू डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप्स की पावर को असर्ट किया जाता था। रेड मारेंगे, ठीक है, रेड पड़ी है इस टाइप से नहीं, मतलब एक हमला करेंगे दूसरी कम्युनिटी के जो कैटल्स अपने अंडर में ले लेते थे इस टाइप से, ठीक है। यंग मैन came to be recognized as members of warrior class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in war. आज mainstream society में आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई भी young man कब दिखाएगा कि उसके पास पैसा हो, वो young man तब दिखेगा जब वो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल पा रहा हो, वो young man अपनी manliness को कैसे show करेगा कि वो एक responsible पर्सन है, तो मतलब वो यंग मैन की वो क्वालिटी होगी। तो वैसे ही यहाँ पे यंग मैन में कॉम्पिटिशन ऐसा चलता था कि कैटल रेड्स होंगी, कैटल रेड्स में कौन कितने ज्यादा बहादुरी से लड़के दिखाएगा, कितनी ज्यादा कैटल्स लेके आ पाएगा, ठीक है, मतलब यही तैयार व्यार करके खड़े कर आ गया उनको, देखो यहाँ पे, ठीक है, जिनके पास में बड़ी सी शॉर्ट जैसी होती थी 5 फीट की, और वो एक पूरा रिचुअल होता था जिसके थ्रू क्या है वो बच्चों से वॉरियर की कैटेगरी में जाते थे, उनको दिन भर डांस करना पड़ता था, ये मतलब पार्ट है उसका, ठीक है, इस तरह से वो वॉरियर कैटेगरी में बनते थे। दे हाउएवर वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स, और लेकिन है दमदार लोग, लेकिन उनको बात किसकी मानना पड़ती थी, एल्डर्स की। क्यों? क्योंकि एल्डर्स बोलते थे अरे बच्चे तुम बच्चे हो, हमारा एक्सपीरियंस लो, क्योंकि हम भी मतलब कभी सास भी कभी बहू थी उस टाइप से कि कभी हम भी वॉरियर रहे होंगे तो हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारे काम में आएगा। तो वही बड़े बुजुर्ग वाला रिश्ता जो है चल रहा था इनकी सोसाइटी में भी, वॉरियर्स और वॉरियर्स के साथ साथ में क्या एल्डर्स, क्लियर हो गया, वॉरियर्स और वॉरियर्स के साथ साथ में एल्डर्स, ये कैटेगरी मतलब दीज वर दी टू कैटेगरीज इन दी मसाई लैंड, या फिर मसाई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू दीज टू कैटेगरीज, क्लियर है। तो कॉलोनियल रूल एंड इट्स इन्फ्लुएंस, अब ये उनका समाज था, उनकी स्थिति थी, मतलब उनका स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर पे कॉलोनियल रूल का क्या प्रभाव पड़ा, कॉलोनियल रूल एंड इट्स इन्फ्लुएंस, वो चीज समझेंगे। देखो हम तो यहाँ पे क्या बताया गया है, टू एडमिनिस्टर द अफेयर ऑफ मसाई द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर्स दैट हैड इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन।
अब मसाई कम्युनिटी अपने हिसाब से अपना जीवन यापन कर रही थी बढ़िया, लेकिन इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीजों को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या होता है कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सीरीज ऑफ मेजर्स, ब्रिटिशर्स ने मल्टीपल मेजर्स लिए, मल्टीपल स्टेप्स लिए, जिससे कहीं ना कहीं इनका ये जो सिस्टम था, इंडिजीनियस सिस्टम था, उनकी सोसाइटी जिस तरह से थी, जो स्ट्रक्चर में वो बटे हुए थे, उस पर वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे क्या मेजर इंट्रोड्यूस किए, देखो दे अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई। अब मसाई कम्युनिटी है, उसमें अलग अलग सब ग्रुप्स रहते, तो ये सब ग्रुप्स आपस में लड़ते थे। तो पूरे मसाई कम्युनिटी में क्या हो रहा समझना अच्छे से, वो पूरे मसाई कम्युनिटी के जो सब ग्रुप्स थे ना, तो इन सब ग्रुप्स के ऊपर एक एक चीफ अपॉइंट कर दिया गया। चीफ कैसे अपॉइंट कर दिए गए, चीफ ऐसे अपॉइंट कर दिए गए कि पहले एल्डर्स होते थे और एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच में वो सारा समाज संभाल लेते थे अपना। लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये पूरा मसाई लैंड है, इस मसाई लैंड में अगर छोटे छोटे कबीले ये हैं, तो इन सारे कबीलों पे क्या होगा, एक गवर्नमेंट ऑफिसर टाइप से अपॉइंट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के जैसा इंसान अपॉइंट कर दिया जाएगा। और ये होता इन्हीं का एक आदमी था, ठीक है, ये इन्हीं पेस्टोरलिस्ट ग्रुप का एक आदमी होता था, जो कि हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा चमचा टाइप से होता था। किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के चमचा टाइप से होता था। तो इन्हीं में से एक इंसान होगा जिसे अपॉइंट कर दिया जाएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़े तो दी ब्रिटिश इम्पोज्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेडिंग एंड वॉरफेयर। और चीफ अपॉइंट कर दिया, और चीफ अपॉइंट करने के बाद रूल्स रेगुलेशन लगा दिए कि नहीं, रेडिंग में तुम इस तरह से ये काम नहीं करोगे, ठीक है, वॉरफेयर में तुम इस तरह का काम नहीं करोगे। इनफैक्ट जो मैंने यहाँ फोटोग्राफ लगे थे, जिसमें देखना गनवन है, तो आज भी पता है ये कल्चरल कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। आज भी कैटल रेड्स होती है और वहां पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो वो प्रोटेक्शन करते हैं। समय बदल गया, हथियार बदल गए, तो आज गन लेके प्रोटेक्शन करते हैं कि कोई हमारी गाय चुरा के ना ले जाए, उस टाइप से, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, कि दी ब्रिटिश इम्पोज्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेडिंग एंड वॉरफेयर, कि ये जो तुम्हारा ये जो तरीका है ना हल्ला बोल वाला, उनको ऐसा लगता था बड़ा अजीब सा तरीका है कि गाय भैंस के लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए, किसने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से चीफ अपॉइंट कर दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर दिए, और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि अब सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है, अब सारी चीजें कंट्रोल करने वाले हो गए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, चीफ्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहले जिनके पास पावर थी, मतलब पावर इज लाइक सीसॉ, पहले एल्डर्स के पास पावर थी, लेकिन अब जब पावर बढ़ रही है किसकी, चीफ्स की, तो ऑटोमेटिकली एल्डर्स की पावर कम होगी कि नहीं, है ना। तो वही चीज यहां पे हुई है कि दी ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ बोथ एल्डर्स एंड वॉरियर्स वॉज एडवर्सली अफेक्टेड। समझ में आया, तो व्हाट वॉज द इंपैक्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ मसाई कम्युनिटी, ठीक है। वो सारे स्टेप्स जो लिए गए कि चीफ अपॉइंट करना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो एल्डर्स और वॉरियर्स थे ना, उनकी स्थिति कमजोर हो गई, उनकी पोजीशन कमजोर हो गई, ठीक है, उनकी पोजीशन कमजोर हो गई। यहां तक चीजें क्लियर है, एकदम क्लियर है, फाइन। तो हमने देख लिया मसाई सोसाइटी किस तरह से थी, क्या ये वो सारी चीजें, ब्रिटिशर्स ने क्या बदलाव लाए, उन्होंने चीफ वगैरह अपॉइंट कर दिया, तो उसके चलते जो सोसाइटी थी एल्डर्स और वॉरियर्स की, उनकी अब अथॉरिटी कम होने लगी, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर हमने कहीं कुछ चालू किया था कि हमारा टॉपिक था एक, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, तो वो टॉपिक कहाँ गया, वो टॉपिक अब वापस लाते हैं हम पकड़ के, ठीक है। तो नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड से क्या कहना चाह रहे हैं, वो देखो कि जब इतना सब कुछ उठापटक हुआ, जो उनका सामाजिक सामाजिक संरचना जो थी ना, किसकी, मतलब जो उनका सोशल सामाजिक संरचना क्या होती है, ठीक है, जो उनका सोशल स्ट्रक्चर था, तो जो उनका सोशल स्ट्रक्चर था, मतलब किसका, मसाइस का, तो उसमें क्या चेंज आया, आपने देख लिया कि एल्डर्स और वॉरियर्स की जो पोजीशन है वो डेटोरिएट होते जा रही है, उनकी अथॉरिटी कम होते जा रही है, क्योंकि चीफ्स आ गए हैं सारी चीजें। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, देखो, तो द चीफ्स अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन एक्युमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम, ठीक है। तो जो चीफ अपॉइंट किए गए किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो धीरे धीरे वेल्थ एक्वायर करते चले गए। चीफ्स वर लाइक पैसा ही पैसा होगा बाबू यह, क्यों, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है, उनके पास अथॉरिटी है, पावर आ गई थोड़ी सी चीफ्स के पास में, ठीक है। तो नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड समझ में आ रहा ना। तो उन्हीं के सेक्शन में जो इंसान चीफ बन गया, उसकी फैमिली, ठीक है, उसके मतलब क्या देखने को मिल रहा है, उसके रिश्तेदार, उसके उसकी वाइफ की फैमिली वाले जो रिश्तेदार हो गए, वो सब तो मजे में होंगे, क्यों, क्योंकि उनके उनके ऊपर हाथ है किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ऐसा। तो द चीफ अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन एक्युमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम, they had a regular income with which they could buy animal goods and land. तो अब चाहे सूखा पड़ रहा हो, चाहे कुछ भी, उनके पास में एक रेगुलर इनकम है, अगर समस्या आ रही है तो उस पैसे से का इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। they lent money to poor neighbors who needed cash to pay tax, ठीक है। तो वो फिर क्या है, क्योंकि जेब में पैसा है तो
जेब भारी हो रही है तो अगर किसी को जरूरत पड़ती थी उसको दे देते थे, इंटरेस्ट कमा लेते थे. मैनी ऑफ देम बिगेन लिविंग इन टाउन्स एंड बिकेम इन्वॉल्व इन ट्रेड. बहुत सारे लोग क्या शहरों में रहना चालू कर देते हैं, ट्रेड में इन्वॉल्व थे बहुत सारे लोग. ठीक है, ट्रेड रेड करने लगे. उन्होंने बोला कि अब गांव छोड़कर अपन शहर चलते हैं. ठीक है, अब समय आ गया बिजनेस बड़ा करने का, उस टाइप से. तो देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन स्टेड बैक इन विलेजेस टू लुक आफ्टर द एनिमल्स. उनकी जो धर्म पत्नियां होती थी, उनके जो बच्चे होते थे, तो उनको बोलते थे तुम गाँव में रहो, संभालो अपने कैटल्स का ध्यान रखो, पैसे कमी पड़ेगी तो बोल देना, पैसे ही पैसा है अपने पास. ठीक है, उस टाइप से. दी शीप्स मैनेज टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ वॉर एंड ड्रॉट. अगर कैटल रेड हो भी रहे तो बोलते ले जा हम तो और खरीद लेंगे. ठीक है, ड्रॉट्स वगैरह भी आती तो उनको दिक्कत नहीं होती थी. क्यों? क्योंकि कैटल्स अगर खत्म भी हो गए तो वो पैसे से और कैटल्स खरीद लेते थे. ठीक है, दे हैड बोथ पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम. ठीक है, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थी यहाँ पे. ठीक है, तो ये एक फाइनेंस लेसन सीखते जाओ कि हमेशा जब भी आप जीवन में आगे बढ़ोगे, काम करोगे, पैसा कमाओगे. ठीक है, माय बेस्ट विशेस कि खूब पैसा कमाओ, एक पर्पस के साथ जीवन जीना बस. ठीक है, तो आपकी इनकम मल्टीपल होना चाहिए. अब इनकी इनकम मल्टीपल थी कि पेस्टोरल इनकम भी है, जानवरों से भी कमा रहे हैं, नॉन पेस्टोरल भी, क्योंकि चीफ बन के बैठे हैं वो, कॉलोनियल गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है. तो क्या हो रहा है, एंड कुड बाय एनिमल्स व्हेन देयर स्टॉक वाज डिप्लीटेड. तो जब उनके पास इनकम मल्टीपल है तो वो अपने, जब उनके एनिमल्स वगैरह का स्टॉक डिक्लाइन होता था तो और खरीद भी लेते थे. समझ में आया, और खरीद भी रहते थे. तो ये स्थिति थी. ये किसकी स्थिति थी? ये स्थिति थी नॉट ऑल ओवर इक्वली अफेक्टेड में चीफ्स वगैरह की. लेकिन एट द सेम टाइम आप क्या देख रहे हो, लाइफ ऑफ द पुअर पेस्टोरलिस्ट. तो जो चीफ नहीं है, जो सिंपल पेस्टोरलिस्ट है, तो उनका जीवन तो बड़ा खराब था. मैं गरीब हूं, ठीक है, और उनके ऊपर बहुत सारी समस्याएं. क्यों बहुत सारी समस्याएं? क्योंकि दे डिडंट हैव एनी एक्स्ट्रा नॉन पेस्टोरल इनकम एज दी चीफ्स हेड. नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड. आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना? तो पुअर पेस्टोरलिस्ट की क्या स्थिति थी? दे डिड नॉट हैव एनी रिसोर्स टू टाइड ओवर बैड टाइम्स. जब बुरा समय आता तो उनके पास में कुछ ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे. इन द टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग. वॉर होती है या फिर फेमाइन आती है तो वो हर चीज एक तरह से खोई जाती थी, उनकी तो खत्म ही हो जाती थी. दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन टाउन्स. ठीक है, उन्हें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता था बार बार. ठीक है, क्यों? क्योंकि पेस्टोरल इनकम कुछ बची नहीं थी ना. सम ईट आउट अ लिविंग एज चारकोल बर्नर्स, अदर डिड ऑड जॉब्स. तो चारकोल बर्नर्स कोयले के भट्टों में काम कर रहे हैं, इस तरह से काम करना पड़ता था बेचारों को. ठीक है, द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. और उनमें से भी कोई अगर लकी है तो उसको क्या मिल जाता था कि कंस्ट्रक्शन वर्क में एक रेगुलर काम मिल गया, क्योंकि लोगों को तो काम भी नहीं मिलता था उस टाइप से. ठीक है, तो द लाइफ ऑफ द पुअर पेस्टोरलिस्ट वाज वर्स्ट. तो नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड. ठीक है, तो कॉलोनियल पीरियड में कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से सफर भी किया. ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से सफर भी किया. तो मैं आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, सारी चीजों को. तो कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो दी सोशल चेंज इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट टू लेवल्स. तो ये जो पूरा आपको बदलाव देखने को मिल रहा है कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में और कॉलोनियल टाइम पीरियड के साथ साथ में जो कह सकते हैं चेंजेस ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए, जो ड्रॉट वगैरह भी आ जाती थी, तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है तो वो क्या पड़ा है? पहला तो ये कि दी ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड द वॉरियर्स वॉज डिस्टर्ब. क्योंकि अब एल्डर्स और वॉरियर्स की चल नहीं रही थी. वॉरियर्स बेचारे, वॉरियर तो कम बनते थे, शहर में जाके काम ढूंढते थे कि पेट पाल पाए, और वॉरियर के पीछे पीछे उनके एल्डर्स भी आते थे कि मैं भी कुछ काम करूं तब घर चलेगा. अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है. क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही खत्म हो रहा है. ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था ना बेस्ड ऑन द एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स, वो डिस्टर्ब हो गया था. क्योंकि आदमी को रोटी की पड़ी थी, अब रोटी की पड़ी थी तो वो अपना ये एल्डर और वॉरियर वाला जो सिस्टम था वो सब भूल गए. ठीक है, दो इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली. तो डिस्टर्ब हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ. मतलब वो ये कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं. तो उनका कल्चर जो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन नो डाउट इट गॉट हैम्पर्ड. जैसे आप देखोगे तो इंडिया में हमारा कल्चर आज भी है, बचा कर रखा है, लेकिन ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने मटमेला तो करके चले गए, है कि नहीं? वो चीज रहती है यहाँ पे. क्लियर हुआ? आगे बढ़ते अगर तो न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन दी वेल्दी एंड दी पुअर पेस्टोरलिस्ट डेवलप्ड. और दूसरा जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो जो सामाजिक स्तर पे सोशल चेंज जो मसाई सोसाइटी में आया इस पूरे एपिसोड में, तो उसमें दूसरा चेंज ये था कि अब मसाई कम्युनिटी डिवाइड हो गई थी. कैसे? वेल्दी और पुअर पेस्टोरलिस्ट में. जो हेड थे, जो चीफ थे, वो वेल्दी पेस्टोरलिस्ट है, और कुछ लोग जो सफर कर रहे थे, जो पीड़ा सह रहे थे, वो पुअर पेस्टोरलिस्ट में. आपको एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन देखने को मिल जाएगा, इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगी. क्लियर है? तो दिस वॉज द होल स्टोरी. दिस पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, समझ के चलना. ठीक है, ये पूरी स्टोरी आपने पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका की देख ली कि क्या पेस्टोरलिज्म अफ्रीका में था, किस तरह से जीवन यापन होता था. ठीक है, किस तरह से जीवन यापन होता था कॉलोनियल टाइम पीरियड में, उन्होंने
क्या क्या सफर किया, ठीक है, बुरे वक्त में क्या स्थिति होती थी, कुछ लोगों को फायदा था, कुछ लोगों को नुकसान था, तो वो सब कुछ हमने कवर कर लिया, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब अगर हम कंक्लूजन निकाले ना इस पूरे चैप्टर का, तो पैस्टोरल कम्युनिटीज आर अफेक्टेड इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे, अफेक्टेड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज बाय चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो पैस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे हैं ना, तो ये मॉडर्न वर्ल्ड जैसे जैसे मॉडर्न होता चले गया ना, तो कहीं ना कहीं जो पैस्टोरल कम्युनिटीज हैं उन्होंने अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से बहुत कुछ सफर किया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है, ठीक है। द न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ देयर मूवमेंट। अब इसको इन जनरल समझना, मतलब ये कंक्लूजन टाइप से पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा ना पैस्टोरलिज्म का, उसके कंटेक्स्ट में कि नई नए लॉज, नई बॉर्डर्स ने उन्होंने उनके मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए है कि नहीं, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मोबिलिटी पैस्टोरलिस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इन सर्च ऑफ पैश्योर्स। अब उनकी मूवमेंट के ऊपर जब इतने रिस्ट्रिक्शंस लगे तो नाउ दे कुड नॉट इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब उनको क्या करना पड़ता था, पैश्योर, अच्छी पैश्योर, अच्छी क्वालिटी ऑफ पैश्योर के लिए बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था, फाइट मारना पड़ती थी। एज पैश्योर लैंड्स डिसअपियर ग्रेजिंग बिकेम अ प्रॉब्लम व्हाइल पैश्योर दैट रिमेन डेटोरिएटेड थ्रू कंटिन्यूस ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। तो पैश्योर लैंड डिसअपियर हो रही तो ग्रेजिंग एक बड़ी समस्या बन गई, जितनी जमीन बची थी उस पर ही ग्रेज करवाते रहते थे, तो क्वालिटी ऑफ ग्रास जो मिल रहा है वो ऐसे खराब होते जा रहा था। टाइम्स ऑफ ड्रॉट बिकम टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हेन कैटल्स डाइड इन लार्ज नंबर, और अगर सूखा पड़ गया तो बड़ी समस्या का काम हो जाता था, बहुत सारे जानवर जो है लार्ज नंबर में उनकी डेथ होती थी। लेकिन सिखाया क्या है मैंने तुम्हें कि समस्या पे मत कभी भी फोकस करना, फोकस हमेशा समाधान पे करना, ठीक है, समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करो। तो समस्या तो थी, देखो दिस इज द लाइफ लेसन, उन्होंने कितना सफर किया बेचारों ने, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परेशानियों पे नहीं देखा, उन्होंने देखा कि इन परेशानियों से बाहर कैसे निकला जाए, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस किया जाए। तो उन्होंने पैस्टोरलिस्ट अडॉप्टेड टू द न्यू टाइम्स थ्रू वेरियस वेज, ठीक है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन में जो सफर कर रहे थे ना, जो आहुति देना पड़ रही थी उन्हें, तो उन्होंने बोल दिया कि इफ यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ठीक है, जैसा देश वैसा वेश। तो उन्होंने क्या किया कि जो बदलते हालात में उन्होंने अपनी स्थिति को बदला, जैसा हमने इंडिया के केस में देखा था, दे चेंज द पाथ ऑफ देयर एनुअल मूवमेंट। अब इन जनरल क्वेश्चन आ जाएगा कि वी हैव सीन दैट पैस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड ड्यू टू विच द लाइफ ऑफ द पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैव बीन अफेक्टेड, बट हाउ डिड दे मैनेज टू सर्वाइव टिल डेट। तो कैसे मैनेज कर गए वो, तो दे चेंज द पाथ ऑफ देयर एनुअल मूवमेंट, रिड्यूस देयर कैटल नंबर्स, प्रेस फॉर राइट्स टू एंटर न्यू एरियाज, लड़े भी अधिकारों के लिए अपने, एक्सर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर रिलीफ, सब्सिडी एंड अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट, सरकार से मांग कर कुछ तो दो हमें, तुम हमारा जीवन ही खत्म करने पे तुले हुए हो, एंड डिमांड अ राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज सो दैट दे कैन सर्वाइव अलॉन्ग विद देयर कैटल्स। दिस वर सम ऑफ द वेज विच दे डिराइव्ड आउट टू सर्वाइव इन द हार्श कंडीशंस, ठीक है, हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने ये तरीकों का इस्तेमाल किया। पेस्टोरिस्ट आर नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट, पेस्टोरिस्ट की अगर हम बात करें तो वो इतिहास के अवशेष नहीं है, वो इतिहास का एक अहम हिस्सा है। आप उन्हें ऐसा मत मानना कि हाँ वो तो पास्ट है, नहीं नहीं, ठीक है, दे आर स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री आर सोसाइटी। तो पेस्टोरिज्म को आप ऐसे मत समझो कि वो तो अवशेष है इतिहास का, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो है उन लोगों ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, क्या, कि दैट पैस्टोरल नोमैडिज्म इज द फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज परफेक्टली सूटेड टू मेनी हिल एंड ड्राई रीजंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हिली और ड्राई रीजंस में जीना है अगर, तो इसी तरीके से जिया जा सकता है पैस्टोरलिज्म नोमैडिज्म को फॉलो करके। सो दिस वाज द लवली चैप्टर, आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट। कैसा लगा आपको चैप्टर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। हाउ वाज द चैप्टर, आपको एक नया पर्सपेक्टिव, नया सारी चीजें समझ में आई नहीं आई। हमारा चैप्टर यहां पे पूरी तरह से समाप्त होता है, पूर्ण आहुति देते हैं, स्वाहा, हिस्ट्री की बुक पूरी खत्म हो गई, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड इट एंड हाउ वाज दिस जर्नी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में बताना चाह रहा हूं। आपने ये सारा सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा, हमारा हिस्ट्री भी जैसे कंप्लीट हो गया, आप अगर अपने आपको टेस्ट करना चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहां पर है, तो अनअकैडमी ऐप पर जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती है वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट यूज द कोड DIGRAJ दिगराज। तो इन फ्री स्पेशल क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, तो एक हफ्ते पहले जैसे हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया था, अब सिविक्स की बारी है, तो सिविक्स पूरा पढ़ लो। क्यों, जैसे क्लास 9th 15 तारीख की अगर हम बात करें तो 15 तारीख के दिन, 15 तारीख थर्सडे जो रहेगा, उस दिन क्लास 9th का क्या रहने वाला, उस दिन क्लास 9th का आप जैसे देखेंगे तो कंप्लीट सिविक्स का
पोल सेशन रहने वाला है, कंप्लीट सिविक्स का पोल सेशन होगा, वैसे ही हम हिस्ट्री का भी करेंगे, वैसे ही हम ज्योग्राफी का भी करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिविक्स के कंप्लीट सिविक्स के पोल सेशन में मिल रहे हैं 5:30 बजे 15 तारीख। सेव द डेट, स्पेशल क्लासेस की लिंक वगैरह जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर हुआ, स्पेशल क्लासेस की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप जैसे अनअकैडमी प्लस पर पेड कोर्सेज होते हैं तो उन पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो क्लास 9th के लिए जो मेरी क्लासेज होती हैं, क्लास 9th के लिए क्लासेज जो होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है, और ये जो क्लास होती है तो 8:45 से 9:45 रहती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जहां पे हम कंप्लीट सिलेबस करते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, मतलब लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस और पर्सनलाइज्ड अटेंशन लेके अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, कि आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो यू हैव टू यूज द कोड DIGRAJ दिगराज सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है कोर्सेज के बारे में तो 8585858585 इन नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्लियर हुआ, दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड दिस चैप्टर, आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे और आगे वीडियोस में नए चैप्टर्स के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू।